अधे मेरे स्वामिनी मैं राधे को दास, राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़भागिनी कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सोते रोवाधीन, सोते रोवाधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गाये। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारे, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल। गाइए गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल गोपाल नंद लाल, 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 गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद। गाइए नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद। भाव से राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। गाइए कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा गोविंद राधा गोविंद जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा, जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय। गौर निताय जय गौर निताय, जय गौर निताय, जय गौर निताय जय आ प्रभुपाद प्रभुपाद शिल प्रभुपाद 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 शिल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 प्रभु निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन के ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण के शिल प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुवन्ति दिव्येस्तवे वेदे सांगपद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कृष्ण त्वदीय कजपञ्जरान्ते अध्येव मे विशतु मां नसराजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पीते कंठावरोधनविदो स्मरणं कुतस्ते करारविन्दे नपदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभो जय गोपी चितचोर प्रभो जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथानुरागी पधारे हुए भक्तवृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से, देश विदेश से, फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं भगवत प्रेम प्राप्त करने हेतु और साथ ही साथ अपने मातृवृंद मणिबेन मणि माता जी की पावन स्मृति में ये सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले जीवन जाधव जी वधुकुल परिवार, जिनमें से प्रमुख भरत भाई और नयन मंजरी माता, विदुर प्रभु और विदुराणी माता जी, किरीट प्रभु और रेणुका माता जी, और भक्ति, रोहित, कृष्णा, संजय और समस्त बाल गोपाल, नारायण, माधवी, हरीशी, आशीष, निखिल, ये पूरे वधुकुल परिवार का और आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भगवद गीता का ज्ञान दिया गया है, जिसे हम श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं। और भी इतिहास में अष्टावक्र जी के द्वारा महाराज जनक जी को ज्ञान दिया गया, सो इसे हम अष्टावक्र गीता भी कहते हैं। तो ऐसी बहुत प्रकार की गीता है, उनमें से एक रामायण में है राम गीता। रामायण के उत्तर कांड में राम गीता है और ये राम गीता स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के द्वारा गाई गई है। प्रसंग इस प्रकार का है कि जब 14 वर्ष वनवास बिताने के बाद भगवान रामचंद्र अयोध्या में आए और अयोध्या में राम का राज तिलक हुआ। भगवान रामचंद्र अयोध्या के राजा बने, सो राजा बनने के बाद रामचंद्र ने एक दिन समस्त अयोध्या वासियों को बुलाया और भगवान रामचंद्र ने प्रवचन किया। देखिए, भगवद गीता का प्रवचन कृष्ण ने किया और राम गीता का प्रवचन भगवान रामचंद्र ने किया। अब गीता का प्रवचन कृष्ण ने किया, कृष्ण की प्रोफाइल तो आप जानते ही हैं। कृष्ण का सब कुछ टेढ़ा है, कृष्ण का बोलना टेढ़ा, चलना टेढ़ा, खड़े भी रहते हैं तो टेढ़े रहते हैं। कृष्ण जिस ब्रज में रहते हैं उस ब्रज की गलियां भी टेढ़ी हैं। कृष्ण जिस यमुना में स्नान करते वो यमुना नदी भी टेढ़ी है, सब कुछ टेढ़ा। इसलिए भगवद गीता का ज्ञान कृष्ण ने दिया, तो ये ज्ञान भी थोड़ा सा टेढ़ा है। गीता सबको समझ में नहीं आती। जब तक श्रील प्रभुपाद जैसे संत आचार्यों की शरण में या किसी गुरु की शरण में नहीं जाओगे, गीता समझ नहीं पाओगे, उल्टे कंफ्यूज हो जाओगे। सो भगवान कृष्ण क्योंकि टेढ़े हैं और गीता भी इसी प्रकार से सुनाई, परंतु भगवान रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम बिल्कुल सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसलिए रामचंद्र ने जो गीता सुनाई बिल्कुल सरल और सिंपल। यद्यपि रामचंद्र जी के द्वारा जो गीता सुनाई गई वो तो बहुत लंबी चौड़ी है, उसमें बहुत सारी बातें हैं, परंतु भगवान रामचंद्र की उस राम गीता में से दो बात, मतलब दो पद, दो चौपाई आपके बीच में यदि रखूं, उस पद में भगवान रामचंद्र पितरों की महिमा बताते हैं। तो आइए भगवान श्री रामचंद्र के मुख से निकले हुए शब्द से हम आज के सत्र को प्रारंभ करें। बहुत सुंदर भाव, इसे हम भाव से गा सकते हैं और फिर समझने का प्रयास करेंगे। मैं स्क्रीन पर रख रहा हूं ताकि आप सब लोग मेरे साथ गा सकें। को पीतो भगत वचन मान कर को पीतो भगत वचन मान कर सपने हूँ जानना दूसर धर्मा, सपने हूँ जानना दूसर धर्मा। सो सुत प्रिय पीतु प्राण समाना, सो सुत प्रिय पीतु प्राण समाना। यद्यपि सो सब भांति ये भांति अयाना, आज यद्यपि सो सब भांति अयाना। को पीतो भगत वचन मान कर सपने हूँ जानना दूसर धर्मा। अब भगवान रामचंद्र के ये वचन है तो भगवान रामचंद्र की तरह मधुर भी होंगे। बहुत सुंदर भगवान रामचंद्र, वैसे इनके आगे पीछे बहुत सारी बातें करते हैं। ये पावन पितृ पक्ष चल रहा है, ये पितरों के दिन चल रहे हैं, तो हमारा क्या है ना, जो उत्सव जो फेस्टिवल होता है हम उसी को मनाते। जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं कि वैष्णव भक्तों का कर्तव्य है, वैष्णव भक्तों का धर्म है कि आने वाले जितने भी उत्सव है उन उत्सव को उत्साह से मनाएं। उत्सव को मनाना भी एक बहुत बड़ी भक्ति है। तो पितरों का उत्सव चल रहा है और ऐसे पावन पर्व में भागवत कथा जब हो रही है तो इस भागवत कथा के माध्यम से भगवान रामचंद्र के शब्द को हम समझते हुए पितरों की महिमा जाने। भगवान रामचंद्र कहते हैं कौ पितु भगत वचन मन कर्मा, कहते हैं हे मेरी अवधवासियों, हे अयोध्या की प्रजा, इस दुनिया में जो माँ बाप होते हैं, माँ बाप का अपने संतानों के प्रति प्रेम समान रूप से होता है। एक पिता के 3, 4, 5 पुत्र हो, एक पेरेंट्स के तीन चार पांच पुत्र हो तो उन माता पिता का सभी पुत्रों के प्रति समान प्रेम होता है, माँ बाप सबसे प्रेम करते हैं। परंतु भगवान रामचंद्र कहते हैं कि उन पांच पुत्र में से कोऊ पितु भगत, उन पांच पुत्र में से कोई एक पितृ भगत, अपने पिता की भक्ति, यहाँ पर पिता की भक्ति का अर्थ है पिता के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कर्तव्य निभाता है, और पितृ पक्ष में पिता के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कर्तव्य है वो है श्राद्ध करना, उनके पीछे, उनके उद्धार के लिए, उनके मोक्ष के लिए उनको सपोर्ट करना, मेहनत करना। सो भगवान रामचंद्र कहते हैं कि अन्य पुत्र जो है वो माँ बाप को अपने हाथों के समान प्रिय है, अन्य जो पुत्र हैं अपने माँ बाप को अपने मस्तक के समान प्रिय है, अपने चरण के समान प्रिय है। लेकिन कोऊ पितु भगत वचन मन कर्मा, परंतु उन पांच पुत्र में से कोई एक पुत्र वचन मन और कर्म से अपने पिता के कर्तव्य को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाता है। और सपने हूँ जानन दूसर धर्मा, और स्वप्न में भी वह अपने पितृ के विषय में, पेरेंट्स के विषय में बुरा नहीं सोचता, गलत नहीं सोचता, या अविश्वास या उनके प्रति गलत भावना नहीं रखता। सो सुत, रामचंद्र तीसरी लाइन में कहते हैं, सो सुत वह पुत्र प्रिय, वह पुत्र इतना प्रिय हो जाता है, वह सुत प्रिय पितु प्राण समाना, वह पुत्र अपने माँ बाप को, अपने पितरों को, पूर्वजों को प्राण के समान प्रिय होता है। अर्थात पितरों को, पूर्वजों को, उन्हीं के, एक ही पितृ के पांच पुत्र हैं, सबके प्रति प्रेम है, लेकिन कितना प्रेम है, जैसे हम हमारे हाथ से प्रेम करते हैं, या हम हमारे चरण से प्रेम करते हैं, मस्तक से प्रेम करते हैं, वैसे वे पूर्वज पितृ इन हाथ की तरह, मस्तक की तरह, चरण की तरह प्रेम करते हैं अन्य पुत्रों को। लेकिन जो पुत्र अपने पिता के प्रति धर्म को निभाता है उसे वह पूर्वज, वह पितृ प्राण के समान प्रेम करते हैं। व्यक्ति प्राण किसी को नहीं देता, परंतु जो पितृ की सेवा, पूजा, भक्ति करते हैं वो प्राण के समान पितरों से चाहते हैं। और अंतिम लाइन में बहुत सुंदर कहते हैं कि यद्यपि सो सब भांति अयाना, इसका अंतिम शब्द है अयाना, है ना। अयाना आप शायद पहली बार सुने होंगे, लेकिन सयाना तो बहुत बार सुने होंगे। सयाना का ऑपोजिट होता है अयाना, हमारे बम्बई भाषा में शाणा कहते हैं, ये शाणा है। तो सयाना, सयाना माने समझदार, बुद्धिमान, अनेकों प्रकार की उपलब्धि प्राप्त करने वाला, और उसका बिल्कुल ऑपोजिट है कि जिसको समझदारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, फिजिकल चैलेंज है, या ठीक से पैसे नहीं कमा पा रहा है, या जीवन में संघर्ष कर रहा है। तो यद्यपि सो सब भांति सयाना, सभी प्रकार से यदि वह पुत्र अयाना है, मतलब कमजोर है, वीक है, सभी प्रकार से वह पुत्र कमजोर है, वीक है, परंतु यदि वे अपने पितरों के, पूर्वजों की क्रिया को करता है, उन्हें प्रसन्न रखता है, तो वे पूर्वज पितृ उन्हें प्राण से भी अधिक प्रेम करते हैं। सो भक्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे पेरेंट्स हमें प्राण से भी अधिक प्रेम करें। आप कहोगे हमारे पितृ हमें प्राण से अधिक प्रेम करेंगे, हमें प्राप्त क्या होगा? इतिहास खोल कर देखिए, एक नहीं सैकड़ों प्रमाण है कि यदि माँ बाप ने हृदय से, यहाँ पर लिखा है सो सित प्रिय पितु प्राण समाना, यदि कोई माँ बाप, कोई पेरेंट्स अपने संतानों को प्राण से भी अधिक प्रेम करके आशीर्वाद या वरदान देते हैं, तो वह वरदान उन्हें बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करा देता है। और इसके ज्वलंत प्रमाण हैं पितामह भीष्म। श्रीमद् भागवत में प्रथम कथा आती है पितामह भीष्म की। पितामह भीष्म ने जब वे छोटे थे, नाम था देवव्रत, और उनके पिता का नाम था शांतनु। महाराज शांतनु की पत्नी थी माता गंगा, और माँ गंगा से ही देवव्रत पितामह भीष्म का जन्म हुआ। जब माँ गंगा कुछ कारणवश शांतनु महाराज को छोड़कर चली गई, शांतनु महाराज बेचैन रहने लगे, शोक चिंता में रहने लगे, और उसी समय महाराज शांतनु का मिलन सत्यवती के साथ हुआ, मत्स्यगंधा के साथ हुआ, और महाराज शांतनु का मन मत्स्यगंधा सत्यवती के ऊपर आ गया और प्रपोजल रख दिया कि मैं आपके साथ विवाह करना चाहता हूँ। मत्स्यगंधा के माता पिता ने कहा कि हम हमारी बेटी आपके साथ ब्याहेंगे, विवाह कराएंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। बोले क्या? बोले मत्स्यगंधा से सत्यवती से जन्म लेने वाला पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा होना चाहिए। महाराज शांतनु ने कहा कि हमारी जो कुल की रीत कुल परंपरा है उसके अनुसार मेरा ज्येष्ठ पुत्र देवव्रत भीष्म ही राजा बनेगा। तो बोले हम हमारी बेटी का विवाह नहीं कराएंगे। कथा से आप सब परिचित हैं कि जब इस प्रपोजल को ठुकरा दिया सत्यवती के माँ बाप ने, शांतनु महाराज बड़े दुखी हुए, बड़ी चिंता में आए, और देवव्रत पितामह भीष्म ने देख लिया, समझ लिया कि मेरे पिता के दुख का कारण क्या है। पूछना नहीं पड़ा पिताजी आप दुखी क्यों हो, प्रॉब्लम पूछना नहीं पड़ा। जो सच्चे बेटे होते हैं वो समझ जाते हैं और बिना कुछ कहे वे अपने माँ बाप की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। और ऐसा ही हुआ, देवव्रत सत्यवती के पास गए और उनको निवेदन किया कि आखिर आपको प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने बात बताई कि सत्यवती का बेटा ही राजा होना चाहिए। तब देवव्रत ने भीषण प्रतिज्ञा की, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि वैसे मैं बड़ा हूँ, राजा मैं होना चाहिए, लेकिन मैं राजा नहीं बनूंगा, सत्यवती का बेटा ही राजा होगा। तो ये हुई प्रतिज्ञा। तब सत्यवती के माँ बाप ने कहा चलो आपने तो संकल्प कर लिया, लेकिन जब आपकी शादी होगी और आपकी पत्नी घर पर आएगी तो पत्नी के सामने किसी की चलती नहीं है महाराज। तो फिर उस समय फिर से ये पॉइंट खड़ा होगा। तो तब देवव्रत ने कहा कि यदि आपके मन में ऐसा है कि मैं विवाह करूंगा और फिर आगे बवाल होगी, तो मैं दूसरी प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा और आजीवन मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। आप विचार कीजिए, एक पुत्र ने अपने पिता के लिए कितना सेक्रीफाइस किया। ये मैं उसी की बात कर रहा हूं जिसका नाम भागवत में महाभागवत के लिस्ट में आया। स्वयंभू नारद शंभू कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनक भीष्म। ये भीष्म कौन? महाभागवत। ये महाभागवत की बात हो रही है। महाभागवत पितामह भीष्म जब अपने पिता की इस प्रकार से सेवा कर रहे हैं तो हम और आप क्या पितामह भीष्म से बड़े भक्त हो गए हैं? हम कहते हैं कि हम तो डीओटी हैं, हम वैष्णव हैं, हमको ये पितृ कर्म पितृ सेवा माँ बाप की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या पितामह भीष्म पागल तो नहीं थे? महाभागवत थे, शुद्ध भक्त थे, और इतना बड़ा सेक्रीफाइस करके अपना विवाह त्याग दिया और अपने राज कारोबार को, अपनी राजगद्दी को त्याग दिया और अपने पिता को प्रसन्न किया। ये है हमारे देश का इतिहास, ये है भागवत का इतिहास। और इस प्रकार से जब देवव्रत ने भीषण, नाम था देवव्रत, लेकिन अपने पिता के लिए इन्होंने भीषण प्रतिज्ञा की। उस दिन से इनका नाम बदल गया, देवव्रत से भीष्म हो गया। आकाश में देवता प्रकट हुए, प्रसन्न हुए और पुष्पों की वृष्टि करने लगे। धन्य हो देवव्रत, धन्य हो। अपने पेरेंट्स के लिए, अपने पूर्वज पितृ माँ बाप के लिए इतना भी कोई सेक्रीफाइस करता है? मैं याद कराना चाहता हूँ उन बच्चों के लिए जो बच्चे आजकल स्कूल कॉलेज में जाते हैं। माँ बाप उन्हें बहुत सुंदर शिक्षा, एजुकेशन, कॉलेज आदि देते हैं, और माँ बाप बहुत सुंदर छूट भी देते हैं, स्वतंत्रता देते हैं, लेकिन उस स्वतंत्रता का मिसयूज आजकल के बच्चे करते हैं। और लड़की हो तो कोई लड़का, लड़का हो तो कोई लड़की, किसी कुपात्र को चुन लेते हैं और उस कुपात्र के प्रेम में फंसकर, वो प्रेम नहीं होता, इस दुनिया में लव पॉसिबल है ही नहीं। यहां हम जिसको लव कहते हैं वो मात्र लस्ट है। और जब लड़की लड़के का जब इस प्रकार से वो लस्ट लव हो जाता है, माँ बाप उनको मनाते हैं, माँ बाप निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, नाक रगड़ते हैं कि बेटा ये कार्य मत करो, आगे चलकर तुम्हें दुख होगा, तुम्हें प्रॉब्लम होगी। बार बार माँ बाप मनाते हैं और उस समय बच्चे कहते हैं कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लानत है ऐसे बच्चों के ऊपर। हमारा भारत का इतिहास, एक बेटे ने अपने माँ बाप के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, विवाह को त्याग दिया, अपने राज्य को त्याग दिया, सब कुछ दाव पर लगा दिया। और हम लोग अपने माँ बाप की एक छोटी सी बात को भी स्वीकार करने में अपना ईगो हर्ट समझते हैं और अनेकों प्रकार का बंधन समझते हैं। एक बात याद रखिए, माँ बाप से विरुद्ध जाने वाले, अपने पूर्वज, अपने पेरेंट्स से विरुद्ध चलने वाले बच्चे जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकते, कभी सुखी नहीं हो सकते। माँ बाप के दिल को दुखाकर आप कितना भी प्रोग्रेस कर लो, मान लो आपके पास धन संपत्ति या वो लड़का लड़की आपको ये सब मिल जाएगा, लेकिन जो संतोष, जो सेटिस्फेक्शन, जो सुख, जो शांति, जो कलेजे को ठंडक मिलनी चाहिए, वो ठंडक नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने माँ बाप के दिल को जलाया है, माँ बाप के दिल को दुखाया है। और इसीलिए शुकदेव, वेदव्यास, सूत गोस्वामी ने ये भागवत जैसे ग्रंथ दिए हम जैसे लोगों के लिए। हाँ, मैं डिवोटी की बात कर रहा हूँ। डिवोटी के नाम पर आतंक नहीं होना चाहिए। हम लोग डिवोटी हैं, लेकिन हमारा डिवोटी, हम कैसे डिवोटी हैं? अभी ABCD का ए सीख रहे हैं। स्कूल में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी, सभी बच्चे स्टूडेंट होते हैं। स्कूल में जिसका एडमिशन हो गया वो सब स्टूडेंट है, फिर चाहे जूनियर सीनियर KG में हो, नर्सरी में हो, वो भी स्टूडेंट है, और यूनिवर्सिटी में हो वो भी स्टूडेंट है। ठीक उसी प्रकार एक बार कोई विष्णु का नाम लेता है वो भी वैष्णव है, और निरंतरम जो शुद्ध भक्ति करता है वो भी वैष्णव है। जब वैष्णव, डिवोटी, भक्त का संबोधन होता है तो हम अपने आप को यूनिवर्सिटी के मेंबर समझ लेते हैं, लेकिन भक्ति में हम लोग अभी नर्सरी में हैं। और सच कहूँ, मैं मेरे जैसों की बात करूँ, हम मेरे जैसे, हम जैसे लोगों ने तो भक्ति शुरू कहाँ की है। भक्ति की जो व्याख्या रूप गोस्वामी बताते हैं उसके अनुसार तो हम भक्ति कर ही कहाँ रहे हैं, हम तो इंद्र तृप्ति कर रहे हैं। इसलिए हमें भजन तो करना चाहिए, भक्ति के मार्ग में धीरे धीरे ग्रेजुअली प्रोग्रेस तो करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमारे शरीर के धर्म को भी निभाना चाहिए। और भक्तों, शरीर धर्म और आत्मा के धर्म दोनों को निभाते 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 जब हम प्योर हो जाए, शुद्ध हो जाए, फिर शरीर धर्म छोड़कर मात्र आत्मा के धर्म को निभाए। लेकिन वर्तमान में हम लोग शुद्ध नहीं हैं, इसलिए यह धर्म निभाना चाहिए। पितामह भीष्म यद्यपि शुद्ध थे, महाभागवत थे, फिर भी उनका ऐसा आचरण कि अपने पिता शांतनु महाराज को उन्होंने प्रसन्न किया। और आगे क्या हुआ? शांतनु महाराज को जब पता चला ना कि मेरे बेटे ने इतना सैक्रिफाइस किया है, मेरे बेटे ने इतना त्याग किया मेरी खुशी के लिए, उस शांतनु महाराज के हृदय के प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। भक्तों, वो बाप, वो पितृ इतना प्रसन्न हुआ, इतना प्रसन्न हुआ, बेटा अब तू प्रतिज्ञा लेकर बैठा है, तूने प्रतिज्ञा नहीं ली होती तो मैं ऐसा वरदान देता कि तुम्हें अच्छी पत्नी मिलेगी, बच्चे होंगे, लेकिन तुम्हारी ये प्रतिज्ञा है, तो अब बचता क्या है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी तब तक मृत्यु तुम्हारे जीवन में नहीं आएगी। शांतनु महाराज ने इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया, और पितामह भीष्म इच्छा मृत्यु का वरदान, उनकी इच्छा के बिना वे कभी नहीं मर सकते थे। एक बाप ने, एक पिता ने ऐसा वरदान, माँ बाप की सेवा करने का ये फल होता है। इसलिए भक्तों, ये इतिहास, ये शास्त्र, ये ग्रंथ हमें हमारे जीवन के कर्तव्यों से अवगत कराते हैं। भक्तों, इसी पितामह भीष्म की कथा श्रीमद् भागवत में आती है। मन में प्रश्न होता है, चलो ठीक है, हम हमारे पितरों को तृप्त करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए हम और अधिक क्या कर सकते हैं। आजकल कई लोगों के ये प्रश्न है कि इस पितृपक्ष में हम श्राद्ध तो कर लेंगे, क्योंकि आप तो हमें छोड़ने वाले हो नहीं, तो श्राद्ध तो हम कर लेंगे, लेकिन और पितरों की और प्रसन्नता के लिए यदि हमारे मन में ऐसी इच्छा है, ध्यान से सुनिए, यदि हमारे मन में ऐसी इच्छा है कि हमारे पितृ जहां है वहां उन्हें भगवान का दर्शन हो जाए, हमारे पितृ जैसा जीवन जिए हैं, उन्होंने जैसा काम किया है, छोड़ो, लेकिन हम कुछ ऐसा करें जिससे उनको भगवान का दर्शन हो जाए, तो क्या हम ये कर सकते हैं? अवश्य कर सकते हैं। हमारे पितरों को भगवत दर्शन कराने का कार्य हम कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए? श्रीमद् भागवत में लिखा है, उसके लिए भक्त्या वेश मनो यस्मिन, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, कृष्ण का नाम और कृष्ण की कथा सुननी चाहिए। तब कहोगे प्रमाण, तो श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय में ये कथा आती है। आप सब जानते हैं कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, तब युधिष्ठिर महाराज के हृदय में बड़ा शोक हुआ। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज बड़ी चिंता में रहते थे कि बोले मेरे कारण यहाँ पर इतने सारे लोग मारे गए, मेरे कारण इस युद्ध में लाखों लोग मर गए, मेरे कारण ये बर्बादी, ये तबाही हुई, अनेकों स्त्रियाँ विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, ये सब कुछ मेरे कारण हुआ। ये सोचकर धर्मराज युधिष्ठिर बड़ा शोक कर रहे थे। सूत जी कहते हैं कि यद्यपि शोक करने की कोई बात नहीं थी, हम सब देखते हैं कि जब कोई नेता कोई युद्ध जीतता है, जब कोई नेता कोई चुनाव इलेक्शन जीतता है तो उत्सव मनाता है, राजा युद्ध जीतता है तो फेस्टिवल मनाता है। युधिष्ठिर महाराज युद्ध जीते थे और उन्हें फेस्टिवल उत्सव मनाना चाहिए, वहाँ युधिष्ठिर महाराज शोक मना रहे थे। शोक इसी बात का कि मेरे कारण बहुत सारे लोग मारे गए, अनेकों बच्चे अनाथ हुए, स्त्रियाँ विधवा हुई, ये सब कुछ मेरे कारण हुआ। वर्णन आता है कि युधिष्ठिर महाराज को अनेक लोगों ने मनाया। सूत जी कहते हैं व्यास आदि नारदे हाग्ये ईश्वर अद्भुत कर्मणा, युधिष्ठिर को मनाने के लिए साक्षात वेदव्यास ऋषि आए, नारद मुनि आए, असित देवल, एक के बाद एक ऋषि मुनि आए और युधिष्ठिर महाराज को मनाए, लेकिन इन सारे ऋषियों के मनाने पर भी युधिष्ठिर महाराज नहीं माने। ऋषियों ने कृष्ण से कहा, कृष्ण आप मनाइए। स्वयं भगवान कृष्ण ने मनाया, परंतु फिर भी युधिष्ठिर महाराज नहीं माने। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि महाराज अब आपको तो है ना, हम लोग तो नहीं मना पाएंगे, क्योंकि हम तो आपसे छोटे हैं। अब आपको इस धरती पर, इस दुनिया में एक ही व्यक्ति मना सकता है महाराज, आपके शोक को एक ही व्यक्ति दूर कर सकता है, और वह है गंगा पुत्र भीष्म, वह है पितामह भीष्म। महाराज ये हस्तिनापुर का, ये कुरुवंश का सूर्य कुछ ही दिनों में अस्त होने वाला है, भीष्म बहुत कम दिनों में अपने प्राण अब छोड़ने वाले हैं। ये कुरुवंश का सूर्य अस्त हो उसके पहले आप उनके पास जाओ, ज्ञान ग्रहण करो और शोक से मुक्त हो जाओ, ये चिंता, ये दुख से मुक्त हो जाओ। सूत जी कहते हैं इति भीत प्रजाद्रोहात सर्वधर्म विवत्सया ततो विनाशनम प्रागात यत्र देव व्रतोपतत। इस प्रकार से प्रजा के प्रति द्रोह होने के कारण और अनेकों प्रकार की शोक और चिंता के कारण युधिष्ठिर महाराज ज्ञान प्राप्त करने के लिए पितामह भीष्म के पास गए। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जहां पर पितामह भीष्म शरसैया पर सोए हुए हैं, उस पवित्र भूमि में युधिष्ठिर महाराज जाने के लिए निकल पड़े। और जैसे ही युधिष्ठिर महाराज पितामह भीष्म से ज्ञान ग्रहण करने के लिए निकले, तुरंत वहां पर शब्द आता है, तदा ते भ्रातरः सर्वे सदस्वे स्वर्ण भूषिते। ध्यान से सुनिएगा। बड़े भाई युधिष्ठिर ने निर्णय लिया कि अब मैं भीष्म के मुख से कथा सुनूंगा। अन्य जो चार भाई थे ना, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। उन अन्य चारों ने सोचा कि हमारा बड़ा भाई यदि भीष्म से ज्ञान ग्रहण करने जाए तो हमें भी जाना चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूं वधुकुल परिवार का कि भरत भाई के मन में एक थोड़ा सा निश्चय हुआ कि कथा सुनेंगे। तो तुरंत हमारे विदुर प्रभु, किरीट प्रभु, ये तुरंत तैयार हो गए। इसका अर्थ ये है कि यहाँ इस परिवार में एकता है, इस परिवार में भक्ति है। और जहाँ एकता होती है, जहाँ भक्ति होती है, वहीं पर ऐसे बड़े बड़े कार्य हो सकते हैं। इन पांडवों के बीच में कितनी एकता। युधिष्ठिर महाराज पितामह भीष्म के पास निकले तो तुरंत ही दूसरे श्लोक में वे सारे चारों भाई भी निकल पड़े, हम भी साथ में जाएंगे। नहीं तो समाज में क्या होता है कि एक भाई निर्णय लेता है कि हम कथा सुनेंगे तो दूसरे तीन भाई मना करते हैं कि भाई ये करने की क्या ज़रूरत है, क्यों टाइम वेस्ट करना है। लेकिन धन्य है कि एक माँ बाप के सभी भाइयों की मति समान हो। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और इसलिए यहाँ पर आया कि जब युधिष्ठिर निकले क्रम से, फिर नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन ये सब निकले तो कृष्ण ने कहा, अर्जुन रुको रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। जिस परिवार में एकता होती है और परिवार एक होकर जब भगवत भजन के कार्य करते हैं, खास करके ये कथा सुनने जा रहे थे भीष्म के मुख से कथा, तो एक होकर जब करते हैं तो कृष्ण प्रसन्न होते हैं। तुरंत कृष्ण ने रोका, अर्जुन रुको, मैं भी साथ में चलूँगा। और भगवान कृष्ण भी साथ में चले। प्रसंग तो बहुत बड़ा है भक्तों, लेकिन ये पांचों पांडव, भगवान कृष्ण, ये सब लोग कुरुक्षेत्र पहुंचे उसके पहले ये बात पूरे संसार में फैल गई। और संसार के बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने हजारों शिष्यों को साथ में लेकर पितामह भीष्म के पास पहुंच गए। पूरा कुरुक्षेत्र खचाखच भर गया। और उसी समय पांचों पांडव भगवान कृष्ण भीष्म के पास गए और पांचों पांडव दौड़कर पितामह भीष्म से सटकर बैठ गए, प्रणाम किए। लेकिन हद तो तब हुई जब अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण पितामह भीष्म को प्रणाम करते हैं। पीताम्बरधारी, सुदर्शन चक्रधारी स्वयं भगवान कृष्ण, चक्रीणा वहां पर शब्द आया, भीष्म को प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि जिस परिवार में भजन भक्ति होती है, एकता होती है, उस परिवार को भगवान अपना परिवार मानते हैं। ये मेरा परिवार, ये मेरा फैमिली है। और यह सोचकर, इस भाव से भगवान कृष्ण ने प्रणाम किया। और अब एक बाप को ये समझने में देरी नहीं लगती है कि मेरे बेटे में कितनी चिंता है, कितना दुख है। तुरंत पितामह भीष्म समझ गए कि युधिष्ठिर चिंता में है, शोक में है, दुखी है, शरसैया पर सोए हुए हैं। आप जरा इमेजिन कीजिएगा, 450 वर्ष की उम्र है। पितामह भीष्म 450 वर्ष के हैं और लगभग 45-55 दिन से इस शरसैया पर सोए हुए हैं। लगभग 2 महीने बीतने आए। और उस समय युधिष्ठिर महाराज पितामह भीष्म से निकट जाते हैं और युधिष्ठिर महाराज को संबोधन करके पितामह भीष्म के मुख से निकल गया, अहो कष्टम अहो न्यायम यत यूयम धर्मनंदना जीवितम नारहतम कृष्ण विप्र धर्म अच्युत आश्रया। पितामह भीष्म कहते हैं, अब पितामह भीष्म तो भीष्म बिल्कुल गंभीर, सूत जी कहते हैं मेघ गंभीर या गिरा, जैसे बादल गरजता है गंभीर वाणी से पितामह भीष्म बोले अहो कष्टम, बहुत बड़े कष्ट की बात है कि बेटा युधिष्ठिर, बेटा युधिष्ठिर आप लोगों के जीवन में ये दुख आए, आप लोगों के जीवन में ये कष्ट आए, ये बहुत बड़े दुख की बात है। क्यों पांडवों के जीवन में कष्ट नहीं आ सकते? पितामह भीष्म कहते हैं नहीं, पांडवों के जीवन में कष्ट नहीं आ सकते। क्यों? ये भीष्म का सिद्धांत है। भीष्मदेव ने कहा इस दुनिया में विप्र धर्म और अच्युत ये तीनों का यदि कोई आश्रय ग्रहण करे, विप्र धर्म अच्युत आश्रया, गुरु का आश्रय, भगवान कृष्ण का आश्रय और धर्म का आश्रय कोई ग्रहण करता है, उनके जीवन में कभी दुख आ नहीं सकता। और बेटा युधिष्ठिर आपने इन तीनों का आश्रय किया है, फिर भी आपके जीवन में दुख। युधिष्ठिर महाराज ने कहा पितृदोष होगा। भीष्म कहते नहीं नहीं, कोई पितृदोष नहीं, तुम्हारे बाप को मैं जानता हूं। बहुत सुंदर, यहां पर आचार्यों ने अपनी टीका में लिखा है, नहीं तो आप समझ सकते हैं पांडवों ने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, पांडवों ने अपने जीवन में कभी भी किसी का गलत नहीं किया, फिर भी पांडवों के जीवन में इतना दुख। तो आचार्यों ने प्रश्न यहां टीका कमेंट्री में लिखा कि पितृदोष हो सकते हैं, क्योंकि मान लो बच्चे यदि कोई गलत काम न करे, लेकिन पितरों के द्वारा यदि कुछ गलत काम हो गया है तो उनका इफेक्ट है, वह दोष उनके बच्चों को लगता है, तो पितृदोष होगा। तब कहते हैं नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे पिता संस्थिते अतिरथे पांडो पृथा बाल प्रजा वधू, तुम्हारे पिता पांडु तो बड़े धर्मात्मा थे, इतने धर्मात्मा कि जब तक वो इस दुनिया में रहे उनको युद्ध करने की आवश्यकता ही कहां पड़ी। वे तो उनके तेज से, उनके प्रभाव से ही विपक्ष वापस लौट जाता था। सो तुम्हारे पितरों का कोई दोष नहीं। बोले मातृ दोष होगा। बोले माता का भी कोई दोष नहीं, क्योंकि पृथा बाल प्रजा वधू, क्योंकि पृथा देवी कुंती, वो तो सती साध्वी नारी। बहुत सुंदर सुंदर बातें पितामह भीष्म वन बाय वन करते हैं। तब धर्मराज युधिष्ठिर पूछते हैं तो फिर हम जैसे भक्तों के जीवन में ये सब दुख आते हैं, इस दुख का कारण क्या है? पितामह भीष्म कहते हैं कि यदि मुझे पूछो तो सर्वकाल कृतम मनिये भवता यद विनिश्चितम सपाल यशो लोके वायुर इव घनावली। जैसे आकाश में बादल होता है ना, वो दिखता है कि ये बादल अपने वश में है, लेकिन वो बादल वायु के वश में होता है। वायु यदि चाहे तो बादल को तितर भीतर कर दे। ये आकाश के बादल जैसे वायु के वश में हैं, वैसे बेटा युधिष्ठिर तुम्हारे जीवन में जो दुख है वो दुख कृष्ण के वश में है। अर्थात तुम्हारे जीवन में जो दुख आए उस दुख का कारण और कोई नहीं, उस दुख का कारण कृष्ण है। युधिष्ठिर महाराज को दिमाग चकराने लगा। बोले कृष्ण तो हमारी टीम में है, कृष्ण हमारी टीम में, और कृष्ण हमारे दुख का कारण। बोले हाँ, कृष्ण ही दुख का कारण है। कृष्ण भाई अपने भक्तों को दुख क्यों देंगे? कृष्ण जिस पर बहुत कृपा करते हैं ना, तो उसे बहुत दुख देते हैं। भक्त के जीवन में दुख आए तो समझो बड़ी कृपा हो रही है, क्योंकि स्वयं भगवान ने कहा है कि यस्या अहम अनुग्रहणामि, यस्य जिस व्यक्ति के ऊपर मैं अनुग्रह करता हूँ, कृपा करता हूँ, तो क्या करता हूँ? हरिष्ये तद धनम शने, पहले तो उसका धन हर लेता हूँ। फिर भी वो मेरी भक्ति करता रहे तो भगवान कहते हैं दूसरा क्या करता हूँ? उनके फैमिली में परिवार के साथ झगड़ा करा देता हूँ, समाज में, संस्था में, परिवार में उसका झगड़ा लगवा देता हूँ। और फिर भी कृष्ण कहते हैं कि वो मेरी शरण में रहे, मेरी भक्ति करता रहे हैं। तो देवानाम अपि दुर्लभम, देवताओं को भी दुर्लभ मैं मेरा वैकुंठ, मैं मेरा गोलोक धाम प्रदान कर देता हूँ। सो उस भगवत धाम को प्राप्त करने की ये परीक्षा है, भगवान ये परीक्षा लेते हैं। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा कि अरे कृष्ण के द्वारा ये दुख मैं तो आज तक समझ नहीं पाया। पितामह भीष्म कहते तू तो कल का लड़का है, तू समझ, तेरी बात छोड़, इस कृष्ण को कोई नहीं समझ पाया, इस कृष्ण को कोई नहीं समझ पाया। यस्य अनुभावम भगवान वेद गुह्य तमम शिवम देवर्षि नारद साक्षात भगवान कपिलो नृप। शिवजी नहीं जान पाए, ब्रह्मा नहीं जान पाए, देवर्षि नारद कई वर्षों से वीणा बजाकर समझने का प्रयास कर रहे हैं, इसके अनुभाव को कोई नहीं समझ पाया। और युधिष्ठिर ने कहा किसी ने तो प्रयास किया होगा। बोले जिस ने प्रयास किया वो सब इनकी माया में मोहित हो गए। जिस दिन लोगों ने प्रयास किया इनके अनुभाव को समझने का, वो उनकी माया में। इसलिए बेटा युधिष्ठिर, ये जो कृष्ण कहता है ना वही तुम करो, कृष्ण जो कहते हैं वही तुम करो, इसी से तुम्हारा कल्याण है। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कृष्ण तो मुझसे छोटे हैं, ये कृष्ण मेरे से छोटा है और छोटे की बात मैं मानूंगा? आखिर मैं कृष्ण की बात क्यों मानूं? युधिष्ठिर महाराज ने कहा आखिर ये कृष्ण मेरा क्या लगता है, आखिर मैं इसकी बात क्यों मानूं? तब लाखों की सभा में पितामह भीष्म कहते हैं कि ये कृष्ण कौन है ये जानना चाहता है। तब भीष्म देव ने ऐलान किया येष वे भगवान साक्षात। ये कृष्ण कौन है? येष वे भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान। यही आदि है, यही नारायण है, यही परम पुरुष है और यही कृष्ण साक्षात भगवान है। ऐसे परम ईश्वर परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को तुमने अपने मामा का बेटा मान लिया, तुमने अपना रिलेटिव मान लिया। ये रिलेटिव मानना बड़ी बात है, लेकिन इसके प्रभाव को मत भूलो। ये शिवे भगवान साक्षात, ये साक्षात भगवान है। और पितामह भीष्म उस भगवान श्री कृष्ण की महिमा को गाते हैं कि सर्वात्मनः, ये कृष्ण सर्वात्मनः सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठा है, कण कण में है, जन जन में है। ये कृष्ण कहाँ नहीं है? सर्वात्मन समदृश, सबके प्रति इनकी समदृष्टि है और अनेकों गुणों से विभूषित है। अब ये पितृ पक्ष में मुझे जो आपको बात बतानी है, अब इस पूरी कथा का सार, प्राण जो है ना वो अब आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। पितामह भीष्म ने कृष्ण की बहुत बहुत महिमा बताई, यही भगवान है, यही ईश्वर है, ये साक्षी है, ये सब कुछ है। लेकिन युधिष्ठिर, ये कृष्ण अखिल ब्रह्मांड नायक, देवों को दुर्लभ, वेदों को दुर्लभ, बड़े बड़े ध्यानी योगी तपस्वियों को ये कृष्ण दुर्लभ है, योगिंद्र दुर्गम गति। लेकिन ऐसे परम दुर्लभ इस कृष्ण की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे अत्यंत दुर्लभ भगवान कृष्ण आज चलकर भीष्म के पास आए। आज जब ये भीष्म मरने जा रहा है, आज जब ये भीष्म अपना प्राण त्यागने जा रहा है, तो बड़े बड़े तपस्वियों को, ध्यानी योगियों को दुर्लभ कृष्ण आज चलकर मेरे पास आए। इसका कारण क्या है? देखिए अब मूल बात, सबके पास कृष्ण आते, कभी आपके घर पर आए? कई बार कुछ लोग कहते हैं मेरे स्वप्न में कृष्ण आए थे, मुझे तो उसमें भी डाउट होता है। दिन भर फिल्म देखता है और सपनों में कृष्ण आएंगे और दूसरा कोई आया होगा, वो कृष्ण नहीं होगा, तू पहचान नहीं पाया होगा। कृष्ण इतने सस्ते हैं। कुछ लोग कहते हैं कृष्ण आकर मेरे बाल बना रहे थे, ये अपनी दाढ़ी में हाथ ना के कृष्ण ने, वो समझ है अपनी दाढ़ियों में हाथ ना के। पता नहीं अब संसार कहाँ किस और भाग रहा है। खैर यदि आ रहे हो तो हम प्रणाम करेंगे, हमारा भाव श्रद्धा, लेकिन वो देव दुर्लभ है। कृष्ण को क्या कहा गया, शेष दिनेश गणेश महेश सुर सेहु जाहि निरंतर गावे, नारद से शुक व्यास रहे पछिहारी पुनि तब पार न पावे। रसखान जी ने लिख दिया कि ये सब लोग मिलकर भी जिसका पार नहीं पा पाते हैं, उस भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना। हमारे वहाँ गुजरात में प्रभु गाते हैं, गुण तणो तुझ पार के नहीं आवे, हे प्रभु के ने नहीं आवे, गुण तणो तुझ पार के ने नहीं आवे, प्रभु के ने नहीं आवे, नेति वेद पुकारे, नेति वेद पुकारे, पुनीत गुण गावे, ओम जय काना काड़ा। नेति वेद पुकारे, सरल गुजराती शब्दों में गाते हैं कि वेद भी जिसे न इति न इति न इति, वेद भी नेति नेति कह के पुकारते हैं कि उस कृष्ण के पास तो हमारी भी पहुंच नहीं है। वेदोय આપણે ગુજરાતીમાં કહેવું હોય તો કહે કે વેદોય ટૂંકા પડે, વેદોનું ગજું નાનું પડે जिस कृष्ण को समझने में और प्राप्त करने में। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म कहते हैं कि चलकर आज मेरे पास आए। क्या मैंने बहुत बड़े बड़े काम किए, बहुत अच्छे काम किए? एक दृष्टि से पितामह भीष्म कहते हैं कि कृष्ण मेरे पास क्यों आएंगे, मैंने कोई बड़ा तो काम नहीं किया, मैं तो कृष्ण का दुश्मन हूं, दुश्मन, क्योंकि मैं तो दुर्योधन के पक्ष में था। कृष्ण पांडवों के पक्ष में और पितामह भीष्म दुर्योधन के पक्ष में। पितामह भीष्म कहते हैं कि बेटा युधिष्ठिर, मैं दुर्योधन के पक्ष में था, अधर्म के पक्ष में था, और मैंने इन्हीं हाथों से कृष्ण के ऊपर सैकड़ों बाण चलाए, कृष्ण के शरीर में इतने सारे बाण डाले, खून की धारा बहने लगी थी, मैंने इन हाथों से। पितामह भीष्म ने स्वीकार किया, मेरे जैसा आतताई कायर और कोई नहीं कि मैंने कृष्ण के ऊपर बाण चलाए। अब देखिए पितामह भीष्म कहते हैं कि मैंने तो अधर्म के पक्ष में रहा, कृष्ण से युद्ध किया, कृष्ण को मैंने मारा, उन पर बाण चलाए, मैंने क्या क्या किया, लेकिन फिर भी आज कृष्ण चलकर मेरे पास आए। अब ये विचारणीय विषय है, मैंने जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं किया, लेकिन फिर भी आज कृष्ण चलकर मेरे पास आए, इसका कारण क्या है? तब सूत गोस्वामी कहते हैं, श्लोक के द्वारा आप इस बात को समझ सकते हैं। पितामह भीष्म कहते हैं, तथापि एकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम्, यन्मे सुंस्त्यजः साक्षात्, यन्मे सुंस्त्यजः साक्षात्, कृष्णो दर्शनमागत, कृष्ण दर्शनमागत। बहुत सुंदर बात पितामह भीष्म कहते हैं कि तथापि फिर भी, तथापि फिर भी, फिर भी माने आगे क्या जोड़ना है कि मैंने कृष्ण के ऊपर बाण चलाए, फिर भी मैं दुर्योधन के पक्ष में रहा, फिर भी हैं मैं अधर्म के पक्ष में रहा, फिर भी, तथापि पहला शब्द है तथापि माने फिर भी, मैं दुर्योधन के पक्ष में रहा, मैंने कृष्ण के ऊपर बाण चलाए, फिर भी। चौथी लाइन जोड़ दीजिए, अन्वय के अनुसार आगे पीछे लेना होगा। चौथी लाइन में तथापि फिर भी कृष्णो दर्शनम आगत, फिर भी कृष्ण मेरा दर्शन करने के लिए आए या अपना दर्शन देने के लिए मेरे पास आए। भक्तों, ये तो दुनिया में सबसे बड़ी अचीवमेंट मानी जाएगी कि मरते समय भगवान कृष्ण का दर्शन। हम तो गा गा के मर जाते हैं, समय मारो साध जे वाला, करूँ हूँ तो काला वाला। अंत समय मारो आवश्य जारे, नहीं रहे देहनु भान। एवे समय मुखे तुलसी देजे, ए देजे तू यमुना ना पान। समय मारो साध जे वाला, करूँ हूँ तो काला वाला। हम भक्त लोग मर जाते हैं, टूट जाते हैं गा गा के, गला सूख जाता है, लेकिन अंत समय में भगवान नहीं आते। और यहाँ पर तथापि फिर भी कृष्ण के साथ दुश्मनी की, अधर्म के पक्ष में रहा, दुर्योधन के साथ रहा, इवन कृष्ण को बाण मारे। हम इतने बड़े दुश्मन नहीं है भाई, इस दुनिया में कोई कृष्ण से कितनी भी दुश्मनी करे कृष्ण को बाण मारेगा। और एक नहीं, महाभारत में वर्णन सैकड़ों बाण पितामह भीष्म ने मारे। तथापि फिर भी कृष्ण दर्शनम आगत, फिर भी कृष्ण मुझे दर्शन देने के लिए आए। इसका कारण क्या है? मैं आपको याद करा दूं, कई सारे हमारे श्रोताओं में से कुछ लोग होंगे, प्रभु हम तो भक्ति करते हैं लेकिन हमारे माता पिता भक्ति नहीं करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? प्रभु हम तो भजन करते हैं लेकिन हमारे माता पिता का जो निधन हो गया वो बेचारे भक्ति नहीं कर पाए, जीवन में संघर्ष होगा, काम करना होगा, तो वो इतनी भक्ति नहीं कर पाए, तो हमें क्या करना चाहिए? भक्तों, इसका उत्तर यहाँ पर है कि पितामह भीष्म ने यूं एक दृष्टि से कुछ नहीं किया था, कोई धर्म नहीं, अधर्म के पक्ष में, फिर भी कृष्ण दर्शनम आगत, फिर भी कृष्ण ने उनको दर्शन दिया। इसका कारण प्रथम लाइन में, तथापि एकांत भक्तेषु, तथापि एकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम। हे युधिष्ठिर, मैं अधर्म के पक्ष में रहा, मैंने पाप किए, फिर भी कृष्ण ने मुझे दर्शन दिया। क्यों? एकांत भक्तेषु, मेरे कारण नहीं, वह तुम लोगों के कारण कृष्ण मेरे पास आए। एकांत भक्तेषु का अर्थ है, पितामह भीष्म कहते हैं, मैं तो कृष्ण का भगत नहीं, मैं तो दुर्योधन का भगत था, लेकिन बेटा युधिष्ठिर आप कृष्ण के भक्त हो। एकांत भक्तेषु, युधिष्ठिर अर्जुन आप लोग कृष्ण के भक्त हो। और कृष्ण ने देखा कि ये युधिष्ठिर अर्जुन मेरे भगत हैं और पितामह भीष्म उनके बाप है, तो चलो पितामह भीष्म ने मेरी भक्ति नहीं की लेकिन अर्जुन युधिष्ठिर ने तो मेरी भक्ति की, तो उनके रिलेशन के कारण, अर्जुन और युधिष्ठिर की भक्ति से उनके रिलेशन के कारण भगवान कृष्ण पितामह भीष्म को दर्शन देने के लिए आए हैं। इसलिए ये पितामह भीष्म की युक्ति है, ये पितामह भीष्म। इसलिए भक्तों, एक बहुत सुंदर शब्द है पश्य, दूसरी लाइन में पश्य। पश्य माने पितामह भीष्म युधिष्ठिर से कहते हैं, युधिष्ठिर पश्य माने देखो, पश्य देख, पश्य भूपानुकंपितम, हे भूप, हे राजन, कंपितम, इसकी करुणा तो देखो, इस कृष्ण की करुणा, इस कृष्ण की दया तो देखो कि मैंने कोई भजन नहीं किया, मैंने कोई भक्ति नहीं की, भक्ति आप लोगों ने की और आप लोग के रिलेशन से वो कृष्ण मुझे दर्शन देने के लिए आए। और किस समय? भक्तों, टाइम की भी बड़ी वैल्यू होती है। किस समय? तो तीसरी लाइन में कहते हैं यत में, यत में, मैं माने मैं, यत माने जिस समय, किस समय? तो अब थोड़ा सा संस्कृत समझना होगा, संधि विच्छेद करेंगे तो सुंस्त्यज जो है वो अ ले लेना होगा, असुम, असुम माने आत्मा, और त्यज माने त्यागना। ये कृष्ण दर्शन के लिए तो आए लेकिन किस समय? असुम त्यजत, जब मैं मेरे शरीर को त्याग रहा हूँ, जब शरीर को त्याग रहा हूँ, तो इस शरीर को त्यागते समय, मरने के समय पर साक्षात कृष्ण माने स्वयं भगवान कृष्ण अपने से चलकर दर्शनम आगत, मुझे दर्शन देने के लिए आ गए। क्यों? क्योंकि एकांत भक्तेशो। बेटा युधिष्ठिर, आप लोगों ने कृष्ण की भक्ति की है, आपकी कृष्ण के प्रति भक्ति के कारण कृष्ण मेरा उद्धार करने के लिए आए हैं। सो भक्तों, यहाँ पर एकांत भक्तेशु का अर्थ है पांडवों ने कृष्ण की भक्ति की और उनका रिलेशन निभाते हुए भगवान कृष्ण ने पितामह भीष्म का उद्धार किया। और एकांत भक्तेशु का दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है कि पितामह भीष्म कहते मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने मेरे पिता की सेवा की थी, शांतनु महाराज की सेवा की थी, और मैंने मेरे जीवन में कोई अच्छा नहीं किया, अधर्म के पक्ष में रहा इत्यादि, लेकिन उस पिता की सेवा करने के कारण आज कृष्ण मुझे दर्शन देने के लिए आए। तो इसके दो अर्थ है कि एक शांतनु महाराज मेरे पिता की सेवा, और दूसरा कि हे पांडव आपकी भक्ति से मेरे पास आए। पश्य भूपानु, देखो, पितामह भीष्म कहते देखो बेटा युधिष्ठिर, तुम देखो तो सही, मैं भी आप लोगों को कहूँ कि यदि हम हमारे माँ बाप का उद्धार करना चाहते हैं, हमारे पितरों का कल्याण, हमारे पितृ जहाँ है वहाँ कृष्ण उनको दर्शन देने के लिए आए, यदि हमारी ऐसी भावना है तो हमें क्या करना चाहिए? यदि मानो ये प्रश्न हो तो इसके बाद वाले श्लोक में पितामह भीष्म उपाय बताते हैं कि यदि हम चाहें कि हमारे रिलेटिव का कल्याण हो, तो अगले श्लोक में पितामह भीष्म ने कह दिया, भक्त्या वेश्य मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी, त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते काम कर्म भी, मुच्यते काम कर्म भी। हमने शुरू किया था कहाँ से? यदि हम हमारे माँ बाप पितृ पूर्वजों का उद्धार कल्याण करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पितामह भीष्म ने कहा भक्ति आवेश्य मनो यस्मिन्, हमें भक्ति करनी चाहिए। और भक्ति आवेश माने भक्ति के आवेश में रहकर वाचा यतनाम कीर्तनम, हमें वाणी से उस भगवान कृष्ण का नाम लेना चाहिए और उस भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करना चाहिए। दैट्स ऑल, भक्ति ही इसका उपाय है। तो भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन्, भक्ति भाव से भक्ति के आवेश में रहकर वाचा वाणी से यतनाम कीर्तयन, हमें उस भगवान का नाम लेना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए। भक्तों, कीर्तन का अर्थ होता है, कई बार लोग सोचते हैं कीर्तन माने बस करताल लेकर हरे कृष्ण गाना, ये तो कीर्तन है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कीर्तन का एग्जैक्ट अर्थ यदि आपको जानना हो ना, तो कीर्तन का अर्थ है कृष्ण की कीर्ति का गान। कृष्ण की कीर्ति का गान इसे कीर्तन कहते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी ने क्या कहा, विष्णु श्रवणे परीक्षित और वैयासकी सकीर्तने, नौ भक्ति है ना, नवदा भक्ति, तो नवदा भक्ति में सभी भक्ति के आचार्य रूप गोस्वामी ने कहा। तो रूप गोस्वामी कहते हैं विष्णु श्रवणे परीक्षित, श्रवण भक्ति के आचार्य परीक्षित महाराज, और कीर्तन भक्ति के आचार्य, तो कहते हैं वैयासकी सकीर्तने। रूप गोस्वामी कहते हैं कि वैयासकी सुखदेव गोस्वामी कीर्तन भक्ति के आचार्य है। समझ में आ रहा है? सुखदेव गोस्वामी कीर्तन भक्ति के आचार्य है। तो मुझे आप बताइए, सुखदेव गोस्वामी कब हाथ में करताल लेकर कीर्तन किए? सुखदेव गोस्वामी ने तो भागवत कथा ही कही ना, और भागवत कृष्ण की कीर्ति का गान है। तो कीर्तन का अर्थ होता है कृष्ण की कीर्ति का गान, और रूप गोस्वामी उनके आचार्य है। तो कीर्तन, भगवान का नाम, गुण, रूप, लीलाओं को गाना, उसे कीर्तन कहते हैं। तो कुल मिलाकर यदि हम हमारे पूर्वज पितरों का उद्धार कल्याण करना चाहते हैं तो भक्ति के आवेश में रहकर उस भगवान का नाम गाना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। उससे क्या फल मिलेगा? त्यजन कलेवरम योगी। इस कलेवर को, इस शरीर को जब त्यागेंगे या त्याग चुके हैं तो मुच्यते, वो मुक्त हो जाएंगे, मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। फिर किसी भी काम और कर्म में वो फंसेंगे नहीं, कामना और कर्म में वो बंधेंगे नहीं। सो पितामह भीष्म श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद और 9वें अध्याय से आज हमने ये सुना कि किस प्रकार से पितामह भीष्म ने धर्मराज युधिष्ठिर को कहा कि कृष्ण मुझे दर्शन देने के लिए आए, इसका कारण मैं नहीं, आप लोगों की भक्ति है। कई बार वो लोग पूछते हैं ना कि हम भक्ति करते हैं तो दूसरे को कैसे फल मिलता है। ये मिला, ये आपके सामने ही है। पांडवों ने भक्ति की, उसका फल पितामह भीष्म को मिला। तो हम भी पुत्र होकर, संतान होकर भजन करेंगे तो इसका फल, मैं यह नहीं कह सकता हूँ कि 100%, लेकिन कुछ ना कुछ हद तक वह फल हमारे पूर्वज, हमारे पितरों को मिलेगा। इसलिए पावन पितृपक्ष चल रहा है। इस पितृपक्ष में यदि हम पितरों के लिए करना चाहते हैं, श्राद्ध अवश्य करें और साथ ही साथ वाचा यतनाम कीर्तयन, भगवान श्री कृष्ण का नाम ले, महामंत्र का जाप करें और कीर्तयन, भगवान की कथा सुने। आज हमारा परम सौभाग्य है ऐसे पावन पर्व में वधुकुल परिवार के सहयोग से हम सब पितरों को मोक्ष करने वाले, पितरों का भी है, हमारा भी मोक्ष है, हम सब का मोक्ष करने वाली इस भगवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। लोकवार्तारता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका शूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया कृपणा कलह प्रिया। गत सत्र में हम श्रवण कर रहे थे किस प्रकार कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे और आत्मदेव ब्राह्मण के विषय में परिचय कल हम सब ने प्राप्त किया। सूत जी कहते हैं, मूल रूप से शांडिल्य ऋषि, ये तीन लोग ये कथा सुना रहे हैं, शांडिल्य ऋषि, सनकादिक और सूत गोस्वामी। इसके पहले वाले श्लोक में कल हमने सुना, भिक्षु को वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंधली स्मृताः। यद्यपि आत्मदेव ब्राह्मण भिक्षुक थे और ब्राह्मण का धर्म है, ब्राह्मण का अधिकार है कि 3 से 5 जन के घर पर भिक्षा मांगे और अपने जीवन का निर्वाह करें, परंतु ये सारी बातें हमने कल सुनी कि वित्तवान, बहुत सारा धन था उनके पास, और उनकी पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली। पत्नी धुंधली के विषय में कहते हैं, वो श्लोक कल था, आज नहीं है स्क्रीन पर, लेकिन केवल शब्द नोट कर लीजिए। धुंधली के विषय में सूत जी कहते हैं कि स्ववाक्य स्थापिका नित्यम। धुंधली के उनकी पत्नी के विषय में प्रथम बात कहते हैं, स्ववाक्य स्थापिका नित्यम। धुंधली जो है नित्य रूप से अपने वाक्य को ही स्थापित करती थी। मतलब आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी जो बोलती थी, मतलब वही फाइनल स्टेटमेंट होता था। और ये आत्मदेव बेचारा कितना भी चिल्लाए, कितना भी बोले, कितना भी, लेकिन धुंधली ने कहा बस वही। एक दिन क्या हुआ, ऑफिस से एक पति ने घर पर अपनी पत्नी को फ़ोन किया कि हे पत्नी, देख आज मेरे कॉलेज के 10-15 फ्रेंड मुझे मिले हैं और ये 10-15 फ्रेंड को लेकर घर पर आ रहा हूँ और सभी मित्रों के लिए रोटी, सब्जी, दाल, भात, श्रीखंड, पूरी, ऊंधिया, सुरती, खमण, ढोकड़ा, ये सब बना के रखना। तो उस पत्नी ने फोन में कहा, नहीं बनाऊंगी तो हम होटल में खा लेंगे हैं। तुम नहीं बनाओगी तो हम होटल में खा के आ जाएंगे। बेचारा चू नहीं कर पाया और सारे लोगों को लेकर होटल में चला गया। कहने का अर्थ यह है कि स्ववाक्य स्थापिका, अपने वाक्य को ही स्थापित करना, ये इनका स्वभाव था। हालांकि आजकल तो सब पत्नियां बहुत सुशील होती हैं, पति के वाक्य को ही स्थापित करती हैं, पति जो कहते हैं वही मानती हैं, और हमारी सभा में तो ये ऐसा कुछ है ही नहीं। लेकिन ये उस समय की बात है, उस समय ऐसा हुआ करता था। तो ये धुंधली जो थी, स्ववाक्य स्थापिका, अपना वाक्य, मैं बोलती हूँ वही सत्य है। मुझे बात याद आ रही है, हमारे गुरु महाराज परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जब पहली बार अमेरिका आए, अब बिहार से हैं, जन्म से ब्रह्मचारी हैं, ब्रज में रहते हैं, सन्यासी हैं, तो इतना कोई टेक्नोलॉजी और इतना कोई संसार की ताम जाम कुछ जानते नहीं। तो तो वे बता रहे थे कि मुझे कोई भक्त लेने के लिए आया, तो पहले तो दोनों पति पत्नी आगे बैठे थे और मुझे कहा कि महाराज जी आप बैठिए। तो जैसे मैं गाड़ी में बैठने गया तो पीछे कुत्ता, अब वो तो एक टेडी बेयर था वो कुत्ता का, लेकिन वो महाराज कहते हैं कि मैं जैसे अंदर बैठा मैं तुरंत बाहर भाग गया। बोले क्या हुआ? बोले अंदर कुत्ता है। तो मैं तो बिल्कुल हूबहू ओरिजिनल कुत्ता समझा, वो तो नकली था। फिर मैं बैठा। अब देखिए, अब पत्नी गाड़ी चला रही है और पति बाजू में बैठा है और गुरुदेव कहते हैं मैं पीछे बैठा था, और उसमें कुछ बात चल रही थी। चलते चलते उस पति ने कहा कि एक्चुअली वो जो था ना वो ऐसा नहीं ऐसा था। तो पत्नी ने कहा कि नहीं नहीं, कुछ उन दोनों में मतभेद हो गया। बोले नहीं नहीं ऐसा था। पति ने 2-3 बार कहा कि नहीं देखो देवी ऐसा नहीं ऐसा था। तो पत्नी को इतना क्रोध आया और पति का नाम लेकर कहते हैं जयसुख शट अप। अब गुरु महाराज की जो बोलने की स्टाइल थी, बोले पत्नी ने मेरे सामने, मैं उनका चेला, वो मेरे शिष्य हैं, मैं पीछे बैठा हूँ, और पत्नी ने कहा जयसुख शट अप। और जयसुख तो चूहे की तरह जैसे बिल में घुस जाता है। 1.5 घंटे तक गाड़ी चली, 1.5 घंटे तक जयसुख कुछ नहीं बोला। जयसुख ऐसा शट अप हो गया, ऐसा चुप हो गया कि वो कुछ नहीं बोला, बिल्कुल गूंगा सा हो गया पत्नी के कहने पर। हो सकता है कि पति बेचारा सच्चा था, उनका जो स्टेटमेंट था वो सही था, लेकिन स्ववाक्य स्थापिका नित्यम, बस मैं जो बोलूं वही सही, वही होना चाहिए, आप सब गलत हो। तो यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। आजकल तो सारी सभी पत्नियाँ बहुत अच्छी हैं, क्योंकि मुझे अभी बहुत कथाएँ करनी है, मुझे अभी बहुत सारी कथाएँ करनी है, आप लोगों को बहुत कुछ सुनाना है, इसलिए यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वहाँ ऐसा था, स्ववाक्य स्थापिका, अपने वाक्य को स्थापना। और दूसरा क्या था कि आत्मदेव जो भी बोले उससे उल्टा बोलने वाले। आत्मदेव कहे कि आज मुझे गरम गरम खाने का मूड हुआ है, तो ये धुंधली कहती आज गरम नहीं, आज ठंडा ही मिलेगा। आत्मदेव कहता कि आज कुछ आइसक्रीम या कुछ ठंडा खाने का मन हुआ है, नहीं आज सूप ही मिलेगा। अब जो भी बेचारा ये बंदा बोलता है उसे उल्टा चलती है। मैं सारे पतियों को कहता हूँ कि आप लोग चिंता मत करो, बड़े बड़े लोगों के जीवन में जब ये प्रॉब्लम है तो हम तो इनके सामने छोटे छोटे लोग हैं। हमारे घर पर यदि ऐसी प्रॉब्लम होती हो ना, तो इन लोगों को याद करके हमें थोड़ी शांति महसूस करनी चाहिए कि भाई कागड़ा बद्धे काड़ा होय, आपड़ा घरे ज काड़ा छे वो नहीं। खैर, तो बोले ये आत्मदेव जो भी बोले उसे उल्टा बोलती है। एक बार मैंने एक लेख पढ़ा था, उसमें लिखा था कि पत्नी जो भी बोले उसे उल्टा बोलती है, जो भी बोले उसे उल्टा बोलती। एक दिन पति का दिमाग हटा, कहा कि आज है ना, कल संडे की छुट्टी है, कल हमको पिकनिक जाना ही नहीं है, कल बस घर पर ही रहना है, घर पर ही दिन बिताना है। तो पत्नी बोली क्यों नहीं, हम पिकनिक जाएंगे, हम बाहर ही जाएंगे। अब पति को टेक्निक पता चल गई। पति ने कहा तो पिकनिक यदि जाना है तो फिर नदी किनारे तो जाना ही नहीं है, हम कहीं और जगह पर। बोले नदी किनारे क्यों नहीं, हम नदी किनारे पर ही जाएंगे। अब चले गए नदी किनारे। अब नदी के किनारे पर बैठकर कहा पति ने कि देखो हम यहाँ तो आ गए हैं लेकिन तैरना तो नहीं है, अंदर अंदर स्नान तो नहीं करना है। पत्नी ने कहा स्नान क्यों नहीं करना, स्नान करेंगे। पत्नी गई स्नान करने के लिए, तैरना आता नहीं था। पति ने कहा देखो ये पानी बहुत गहरा है, दूर मत जाना। दूर क्यों नहीं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, ऐसा करके दूर चली गई और डूबने लगी बेचारी। जब डूबने लगी तो एक पेड़ जो था वो तैरते हुए आ रहा था, यदि उस पेड़ को पकड़ लेना तो वो बच जाए ऐसी थी। तो पति ने दूर से कहा देखो देवी वो पेड़ आ रहा है, उसको पकड़ लो तो तुम बच जाओगी। मैं क्यों पेड़ को पकड़ूंगी। अच्युतम केशवम, डूब गई। कहने का अर्थ यह है स्ववाक्य स्थापिका नित्यम, स्ववाक्य अपने वाक्य को स्थापित करने वाली थी। और धुंधली के विषय में कहते हैं स्ववाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवा। और धुंधली सुंदरी थी, देखने में सुंदर थी। देखिए यहाँ इस जगत में कोई पूर्ण नहीं है। कुछ लोग देखने में सुंदर होता है तो चौथा माला खाली होता है, कुछ लोग बहुत ज्ञानी बुद्धिमान होते हैं तो देखने में काले कलूटे होते हैं, कुछ लोग ज्ञानी भी होते हैं सुंदर भी होते हैं तो पैसे नहीं होते। कुछ ना कुछ यहाँ तो कमी है। तो सुंदर थी, लेकिन एक बात जो समझने लायक है हम लोगों को कि सुंदरी सुकुलोद्भवा, धुंधली का जन्म यूँ तो सुकुल अच्छे कुल में हुआ था। ये बात बहुत सुंदर है कि स्ववाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरीम सुकुलोद्भवा, सुंदर कुल में इनका जन्म हुआ था। तो अच्छे कुल में जन्म हुआ था तो फिर धुंधली का आचरण क्यों ऐसा था। तो कहते हैं कि सुंदर कुल में जन्म हुआ था लेकिन सुंदर संस्कार नहीं मिले थे, और यदि सुंदर कुल में जन्म लेकर सुंदर संस्कार मिले होंगे तो इस पर आचार्यों ने कहा तो फिर इनकी संगति गलत हो गई होगी। कितने भी सुष्ठु सुंदर कुल में जन्म ले, कितने भी पवित्र कुल में हमारा जन्म हो, लेकिन हमारी या हमारे बच्चों की संगति यदि बुरे लोगों के साथ हो जाती है तो जीवन भयानक हो जाता है। मैं अक्सर कहता हूँ किसी भी व्यक्ति के जीवन का आधार संस्कार और संगति एसोसिएशन है, और ये दोनों में भी संस्कार पीछे रह जाते हैं, संगति मुख्य हो जाती है। इसलिए सदैव हमें या हमारे बच्चों को कहना चाहिए कि बेटा जहाँ जाना है जाओ, लेकिन संगति ध्यान रखो, कभी भी बुरे लोगों की संगति ना करो। सो यहाँ पर बुरी संगति में फंसने के कारण। और फिर इनके गुण क्या थे, तब कहते हैं लोकवार्ता रता क्रूरा, अगले श्लोक में। और कैसी थी धुंधली, कहते हैं लोकवार्ता रता, लोगों की वार्ता करने में बड़ा आनंद आता था। अर्थात दुनियादारी दुनिया की चर्चा करने में, फलानी ने तो आज लाल साड़ी पहनी थी, फलानी ने तो आज हरी साड़ी पहनी थी। ये साड़ी देखने के लिए कथा में आते हैं कि ज्ञान ग्रहण करने के लिए, लेकिन बस लोक वार्ता रता। कुछ लोग मंदिर जाकर भी बस लोक वार्ता में ही पड़े रहते हैं कि तेरी जॉब कैसी चल रही है, मेरी जॉब वैसी चल रही है। जॉब के लिए मंदिर जा रही है, जगदीश के लिए जा रहा है, लेकिन लोक वार्ता रहता। मैं रूप गोस्वामी को याद करूं, श्रीपाद रूप गोस्वामी कहते हैं अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पनीयमाग्रह जनसंगश्च लोल्यंश्च षड्भी भक्ति विनश्यति। भक्ति मार्ग, भक्ति राज्य में प्रवेश करने के लिए द्वार के समान रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत ग्रंथ दिया। ऐसा अमृत, ऐसा उपदेश जो अमृत के समान। और प्रारंभिक सिद्धांत में रूप गोस्वामी ने कहा कि अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प, ये प्रजल्प जो है अर्थात दूसरों की चर्चा, दूसरों की बातें, संसारिक वार्ता, संसारिक बातें जिनमें कोई सार नहीं होता, इससे मात्र हम हमारे मौत को निमंत्रण दे रहे हैं। शिल प्रभुपाद दृष्टांत देते ना, जैसे बारिश की ऋतु में मेंढक टर 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 करते रहते हैं, यद्यपि सांप को कान नहीं होते, सांप में ताकत नहीं कि वो मेंढक को ढूंढ सके और मेंढक को खा सके, लेकिन मेंढक खुद ही टर टर करके अपनी मौत को निमंत्रण देता है कि सांप महाराज आओ, मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे खा जाओ। तो ये दुनिया की चर्चा, दुनिया की वार्ता जो है वो मेंढक की आवाज़ के समान है। हम हमारी मौत को, काल को निमंत्रण दे रहे हैं। मैं आपको कहूँ, लोक वार्ता रता, हम लोग दुनिया की वार्ता। मैंने तो देखा है, हम भी कुछ समय डायमंड बिजनेस करते थे तो लोग इतनी वार्ता, इतना डायमंड, ये डायमंड, इतना पैसा, इतना रुपया, ये शेयर बजार, वो शेयर बजार। હવે 2000 રૂપિયાનું શેર લીધું હોય એમાં તો 24 घंटे बात ही करते थे। तेरा शेयर है, मेरा शेयर है। रात को सोते तो शेयर बाजार की पट्टी ही चलती आंखों के सामने। लोक वार्ता रता, ये लोक वार्ता। भगवान ने हम सबको कोटा दिया है, ये याद रखना चाहिए। ये बोलने का कोटा, सुनने का कोटा, ये सब कोटा होता है। दुनिया की चर्चा में ही अपने बोलने का कोटा खत्म कर दोगे तो भगवान के बारे में क्या खाक बोलोगे। इसलिए हमने बड़े बड़े संतों का, आचार्यों को देखा है कि खूब भागवत कथा बोलते हैं, खूब भागवत कथा करते हैं, लेकिन व्यासपीठ से उतरकर मौन, कृष्ण नाम, कृष्ण कथा के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं। क्योंकि वाणी का भी अपना कोटा होता है। और याद रखें एक बात, हम सबको सीखने लायक है, दुनिया की चर्चा जितनी करेंगे उतना वाणी का प्रभाव कम हो जाएगा। वाणी का ओजस, वाणी का तेज होता है, वाणी का तेज कम हो जाएगा हम जितनी लोक वार्ता करेंगे। इसलिए हमारी वाणी निकले तो सवे मनः कृष्ण पदारविंदयो वांचांसी वैकुंठ गुणानु वर्णने। ये वाणी वैकुंठ भगवान कृष्ण के गुणों का वर्णन करने के लिए होनी चाहिए। सो लोक वार्ता, लोक की वार्ता न करके भगवान की वार्ता, भगवान की कथा। लेकिन ये धुंधली बेचारी फंसी हुई थी, हम तो करुणा ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते। लोक वार्ता। और फिर क्रूरा, धुंधली के विषय में कहते हैं कैसी थी, क्रूर थी, क्रूर स्वभाव की थी। अब देखिए पिछले श्लोक में कहा सुंदरी, दिखने में सुंदर थी, सुंदरी, लेकिन अंदर से स्वभाव कैसा था, क्रूर। आगे बहुत सुंदर बातें आएगी, फिर हम आगे समझेंगे, लेकिन ये क्रूर थी, ये क्रूरता प्रकट होगी आगे चलकर। प्रायशो बहुजल्पिका, धुंधली के विषय में कहते हैं कि प्रायशो, प्रायः माने 99%, बहुजल्पिका कुछ न कुछ बकवाद करती रहती थी। बकवाद माने बकरा होता है ना, बोका बकरा, बैं 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 करते रहता है। बस ये बहुजल्पिका, बस रात दिन बोल 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 करना, दूसरों का न सुनना, केवल बोलते रहना, और वो भी सांसारिक बात है। मेरे पास तो इतनी साड़ी है, मेरे पास तो इतना ऑर्नामेंट, मेरे पास तो इतना गहना है, मेरे पास इतना गोल्ड है, ये गाड़ी है, वो गाड़ी। बस इसे कहते हैं प्रायशो बहुजल्पिका। और शूराच गृह कृत्येषु, शूर माने एक्सपर्ट, शूर माने निपुण, शूरवीर, एक्सपर्ट, निपुण। तो शूराच एक्सपर्ट थी, ये धुंधली जो है ना, एक्सपर्ट थी, निपुण थी। किसमें, गृह कृत्येषु, अपने घर का काम करने में बड़ी एक्सपर्ट थी। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, गृह कृत्येषु, घर के काम में एक्सपर्ट थी। लेकिन केवल इससे तो काम होगा नहीं ना, केवल घर को सजाने में और घर को बनाने में ही तो काम नहीं होगा, भजन करना होगा। तो एक्सपर्ट तो थी, लेकिन गृह कृत्येषु, घर को चलाने में एक्सपर्ट थी। लेकिन साथ ही साथ दोष क्या बताते हैं, कृपणा, कंजूस बहुत थी, लोभी की जाम थी ये धुंधली। कंजूस की तो अलग ही दुनिया होती है भक्तों, लोभियों की सृष्टि ही कुछ अलग होती है। मैं अक्सर कहता हूँ ना, एक आदमी, उत्तरायण होती है आपके वहाँ, हमारे भारत में उत्तरायण होती है, पतंग उड़ाता है, और टेरेस में छत पर जाकर पतंग उड़ाते हैं। उड़ाने वाले उड़ाते हैं, कंजूस जो होते हैं वो खुद उड़ाते नहीं, वो लूटते हैं। लूटाए कभी, लूटने का एक आनंद होता है। हम छोटे थे तो लूटते थे तो लूटते, मतलब किसी की कटी हुई आती है तो कटी हुई को पकड़ना, इसे कहते हैं लूटना। तो जो लोभी का जाम होता है ना, वो खुद खरीदता नहीं है, वो लूटता है। तो वो ऑफिस से घर पर आया, पत्नी को क्या करे, बोले भोजन पका रहे। बोले कितने का, बोले 3 जन का। पति ने डांटते हुआ, 3 कौन, बोले आप, मैं और हमारा चिंटू। बोले चिंटू छोटा है, भोजन 3 का नहीं 2.5 का ही बनना चाहिए। अब ये फ्लाइट की टिकट थोड़ी ना कि 2.5 किलो 3 किलो भोजन, खबरदार आज से 3 का भोजन बना तो इस घर में 2.5 का भोजन बनना चाहिए। ऑर्डर देकर गया, 7वें माले पर रहता था, 14 माले की बिल्डिंग थी, छत पर जाकर लोग पतंग उड़ा रहे थे। किसी की कटी हुई आई तो बिल्कुल धागे के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके जैसे पकड़ने गया तो 14 माले की छत से नीचे गिरा। जब उस 14 माले छत से गिरा, 7वें माले की जब खिड़की आई, पत्नी भोजन पका रही थी, वो कहा कि अब 2.5 का नहीं, अब 1.5 का ही बनाना, क्योंकि मैं अब जा रहा हूँ। तो मरते मरते भी 1 का भोजन बचाते गया। इसे कहते हैं लोभी का जाम। पत्नी बीमार थी, और ठीक हो नहीं रहा था, और अपनी पत्नी से उस पति ने कहा कि देखो मैं पंडिया साहब डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, डॉक्टर को बुलाने जा रहा हूँ, तुम चिंता मत करना, और देवी यदि डॉक्टर को लेकर मैं आऊँगा और आने में यदि देरी हो जाए और तुम्हारे प्राण निकल जाए तो एक काम कर देना। बोले क्या? ये पंखे की स्विच बंद कर देना, मतलब ये पंखे की स्विच मतलब इलेक्ट्रिसिटी बचा लेना। ये होते हैं लोभी। खैर अब इनकी बात ही क्या करें, बाकी सब का सब कुछ हो सकता है, लोभियों का कुछ नहीं हो सकता। भगवान जो है ना इससे बिल्कुल ऑपोजिट है, महामना। कृष्ण का जब जन्म हुआ तो नंद बाबा के विषय में सुखदेव ने ऐलान किया, नंद तू आत्मज उत्पन्न है। नंद के घर पर कृष्ण जन्म लिए, कृष्ण प्रकट हुए। क्यों? क्योंकि जाता लाद महामना, क्योंकि नंद का मन महान था, दिल बड़ा था। बड़े दिल वालों के हृदय में या घर पे भगवान आते हैं, क्योंकि भगवान बहुत बड़े हैं, और उस बड़े भगवान को लोभियों के हृदय में, छोटे से दिल हृदय मन में भगवान को नहीं बिठा पाएंगे। मन बड़ा, दिल बड़ा, हमारा हृदय मन बुद्धि विशाल होनी चाहिए। लेकिन ये धुंधली कृपणा लोभी थी और कलह प्रिय। इसको प्रिय क्या था? जैसे आपको हरिनाम प्रिय है, कथा प्रिय है ना, तो इनको क्या प्रिय था? बोले कलह प्रिय। इनको कलह माने झगड़ा करना, किसी से झगड़ा करना, यही उसको प्रिय था। दूसरे से झगड़े करना, झगड़ा करने में ही इनको आनंद आता था। दिन में 2-3 झगड़ा न करे अपने पति से या पड़ोसी से, तब तक इसको नींद नहीं आती थी। मतलब ये मैं जोड़ रहा हूँ, इसका व्याख्या मैं कर रहा हूँ, कलह प्रिया, कलह करना इसका स्वभाव था। आगे कहते हैं, एवं निवसतो प्रेमणा दंपतियो रममाणयो अर्था कामास्ततो योरान न सुखाय गृहादिकम बहुत सुंदर समझने जैसी बात आ रही है, हम सबको समझने जैसी बात। सो एवं निवसतो प्रेमणा, तो कहने का अर्थ यह है कि एवं निवसतो प्रेमणा, इस प्रकार से धुंधली और आत्मदेव ब्राह्मण निवसतो निवास कर रहे थे, रह रहे थे, जी रहे थे, प्रेमणा प्रेम से। मतलब ये पति पत्नी कैसे भी हो, लेकिन दोनों के बीच में प्रेम बहुत था। जहाँ पर भी जाए तो सेल्फी दोनों की, वो मुंह, अब सेल्फी में मोढू एवं भंगार करे आलो का, ये पता नहीं ये कहाँ से सीख के आए हैं, ये मुंह बिगाड़ना, पता नहीं ये मुंह अच्छा कर रहे हैं कि बिगाड़ रहे हैं। देखिए हमारे भगवान विष्णु भी यहाँ पर सेल्फी दे रहे हैं। ये सेल्फी का गुण, ये सब ऊपर से ही आता है, ऐसा नहीं अंदर से पैदा। अब देखो, अब आप केवल ये देखो, मेरे पीछे देखो कि यहाँ पर वो भगत जो है बेचारा चिल्ला रहा है, पुकार रहा है कि प्रभु मैं डूब रहा हूँ भवसागर में, मुझे बचाओ, और गरुड़ जी बेचारे कॉन्सेंट्रेशन उस भक्त के ऊपर कर रहे हैं। गरुड़ जी जो है उस भक्त के ऊपर कंसंट्रेशन करें, लेकिन भगवान विष्णु हमारी ओर देखकर कह रहे हैं एक सेल्फी ले लो, एक फोटो ले लो, फिर मैं वहाँ जाऊँ। इसलिए भगवान का ध्यान बिल्कुल सीधा है। बोलो भगत बेचारो टूटी गयो, मरी गयो बेचारो, बोला इनके प्रभु यहाँ, प्रभु यहाँ, लेकिन प्रभु तो फोटो खिंचा रहे हैं। आप देखिए भगवान विष्णु देखिए कि फोटो खिंचा रहे, खींच लो 2-3 फोटो, आप खींचोगे तो बेचारे उस भगत का उद्धार करने जाएंगे। तो खैर इस प्रकार से मैं ये कह रहा हूँ कि एवं निवसतो प्रेमणा, ये आत्मदेव ब्राह्मण और धुंधली दोनों प्रेम से रह रहे थे, पति पत्नी में प्रेम बहुत था। दंपतियो रममाणयो, दोनों एक दूसरे में प्रेम करते थे, बस एक दूसरे में पड़े रहते थे। आज आज पत्नी को कहते हैं तुझे पर्पल पसंद है या येलो पसंद है, आज आधी चम्मच शक्कर डालू या पतिदेव एक चम्मच शक्कर डालू, होता कुछ बात में काई लेवानू न हो, पण बस एक दूसरे में कभी कभी हम बाहर तो नहीं जाते लेकिन गोविंदा रेस्टोरेंट में तो हम जाते हैं, तो बाहर के लोग भी आते हैं। एक ग्लास शरबत पियेंगे, एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक होगा, लेकिन वो दो पति पत्नी या दोनों प्रिया प्रियतम एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक पीने में 3 घंटा लगाएंगे। आज तो मैं वहाँ गई थी, ये किया था, वो किया था, फिर एक सिप मारती है, फिर एक सिप मारने के बाद आधा घंटा बात होती है, फिर दूसरे, वो वेटर परेशान होता है, वो मैनेजर परेशान होता है कि ये लोग को और कुछ है? तो प्रेम इतना होता है दंपति में, लेकिन केवल ये प्रेम से तो काम चलेगा नहीं, प्रेम के साथ भक्ति भी चाहिए। तो दंपतियों, ये दोनों के बीच में बड़ा प्रेम था, पति पत्नी में बड़ा प्रेम था। अब कहने का अर्थ है, ध्यान से देखिएगा कि एवं निवसतो प्रेमणा, पति पत्नी के बीच में बड़ा प्रेम था। पत्नी को, धुंधली को छींक भी आ जाए ना तो ये बिल्कुल आत्मदेव ब्राह्मण गड़गड़ा हो जाता था, अरे बाप रे मेरी पत्नी को छींक आ गई। डॉक्टर को फ़ोन करते, डॉक्टर साहब क्या हुआ, बोले आज आज मेरी पत्नी को छींक आ गई, बेचारी की कितनी मुलायम तबीयत है, छींक। डॉक्टर कहे तो हमने हैरान करमा, आ शरदीनु वातावरण है, वरसादनु वातावरण, छींक तो आवे, बोले नहीं धुंधली को छींक आ रही है। तो बिल्कुल धुंधली कहीं बाहर जाती है मंदिर तो चप्पल ये खुद पकड़ लेता है। तो इस प्रकार से आप समझ रहे हैं कि दोनों के बीच में प्रेम था। दंपत्य रममाणयो, दोनों एक दूसरे में बिल्कुल रमण कर रहे थे। अर्था कामास्तयो रोसान, अर्थ भी था, ध्यान दीजिए, जैसे पहले कहा गया कि पूरे गांव में सबसे धनी ये बंदा था आत्मदेव ब्राह्मण, तो इनके घर पे अर्थ था, काम था, पति पत्नी के बीच में प्रेम था। लेकिन चौथी लाइन, न सुखाय, न सुखाय गृहादिकम, मात्र पति पत्नी के बीच में प्रेम, इसी के साथ साथ बहुत बड़ा घर, इसी के साथ साथ विपुल मात्रा में संपत्ति, ये सब कुछ मिल जाए लेकिन फिर भी ये सब कुछ न सुखाय, ये सुख के साधन नहीं है, केवल इसी से सुख कभी नहीं मिलने वाला है। कोई कहे कि बहुत अच्छी पति पत्नी, हमारे बीच में बहुत प्रेम है, प्रेम हो जाए और हम सुखी हो जाएंगे, शास्त्र देखिए, पुराण पढ़िए, न सुखाय। पति पत्नी के बीच में चाहे हायर टॉप क्लास का प्रेम, परंतु वह पति पत्नी का मात्र प्रेम कोई सुख का साधन नहीं है। फिर क्या कहा, अर्थ, इतना होकर भी साथ ही साथ बहुत बहुत धन मिलने पर भी कोई सुखी नहीं हो सकता, और अर्थ के साथ साथ काम, सभी प्रकार के काम उपभोग कर रहे थे। मतलब आज के दिन में रेस्टोरेंट में जाना, बिल्कुल सैटरडे संडे रेस्टोरेंट में जाना, पिकनिक में जाना, हॉलीडेज में जाना, ये सब कुछ ये कामस्त माने सारी कामना पूर्ण कर रहे थे, सब कुछ था, लेकिन फिर भी न सुखाय। भक्तों ये हम सबको समझने वाली बात है। आजकल दुनिया जिस दिशा में दौड़ रही है, जिस दिशा, आजकल दुनिया वाले जो चाहते हैं कि मुझे प्रेम करने वाला पति मिल जाए, प्रेम करने वाली पत्नी मिल जाए, बहुत बड़ा घर मिल जाए, पैसे मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, मैं हॉलीडे करूं, मैं घूमूं फिरूं, मैं यहाँ जाऊं वहाँ जाऊं, ये सब कुछ था इन दोनों के पास, लेकिन न सुखाय, लेकिन सुख नहीं था। इस दुनिया में जिसे सुख कहा जाता है वो मात्र बाहर की तड़क भड़क है, वो मात्र एक एडवर्टाइजमेंट है। लोग ऐसा विज्ञापन करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि ये नहीं करोगे तो तुम कभी सुखी नहीं हो पाओगे, और हमारे दिमाग में बस ये बैठ गया है कि ये संसार की ये तड़क भड़क ही हमें सुख दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सूत जी कहते हैं न सुखाय गृहादिकम। ये संसार में पति पत्नी का प्रेम, ये घर गृहस्थी संपत्ति सुख, वास्तविक सुख नहीं दे सकती। भक्तों इसीलिए तो ये इतिहास है। आप इतिहास में चले, भर्तृहरि हुए। महाराज भर्तृहरि को जब वैराग्य हुआ, ये राजा की बात कर रहा हूँ, उस भर्तृहरि ने कहा कि भोगान भोक्ता वैमेव भोक्ता। मैं सोच रहा था कि मैं भोगों को भोग रहा हूँ, लेकिन आज मुझे पता चला मैंने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने मुझे भोग लिया। एक छोटा सा भोग, मनुष्य की बात कर रहा हूँ, मनुष्य जीवन में छोटा सा भोग भोगने के लिए कितनी एनर्जी, कितना समय, कितना कुछ गंवाना पड़ता है, आप जानते नहीं हैं। सारी बात समाज में नहीं कर सकते हैं भक्तों, लेकिन भोग मनुष्य का केवल पतन और पतन ही कराता है। जिसे हम सुख मान रहे हैं, जिस भोग को हम सुख सुविधा मान रहे हैं, वो सुख सुविधा नहीं, वो तो पतन का कारण। भोगान भोक्ता वही में वो भोक्ता, तपसान तपसा वही में वो तपता। मैंने भोगों को नहीं भोगा, भर्तृहरि जी कहते हैं भोगों ने मुझे भोग लिया, मुझे खत्म कर दिया। कई बार कुछ लोग कहते हैं ना, मैं शराब पी रहा हूँ, मैं सिगरेट पी रहा हूँ। हम क्या शराब और सिगरेट को पियेंगे? ये शराब और सिगरेट हमको पी रहे हैं। दुनिया सोचती है कि हम भोग भोग रहे हैं, हम शराब भोग रहे हैं, हम सिगरेट भोग रहे हैं, हम स्त्री को भोग रहे हैं। ये लोग हमको भोग रहे हैं, हमारी शरीर, हमारी एनर्जी। जानते हैं एक बार भोग भोगने से हमारी कितनी आयुष्य घट जाती है, और यदि उम्र रहे भी तो वो जीने लायक नहीं छोड़ते हैं ये भोग। तो इस प्रकार से न सुखाय गृहादिकम। पुरुरवा महाराज, ययाति महाराज, एक से एक राजा, भागवत में उनका इतिहास है। युग पर्यंत इन राजाओं ने भोग भोगे और फिर अपना अनुभव सुनाया। किसी एक व्यक्ति को दुनिया की सारी स्त्रियां दे दी जाए, संपत्ति दे दी जाए, सब कुछ, सारी रेस्टोरेंट उनके नाम पर कर दो, सारे भोग प्रदान कर दो, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति सुखी नहीं हो पाएगा, क्योंकि भोग जो है ये सुख का माध्यम नहीं है। ये बात यहाँ पर है। इसलिए चिंता मत करो, पति पत्नी के बीच में प्रेम हो कोई बात नहीं, प्रेम नहीं भी हो ना तो वास्तव में ये सुख का कारण नहीं है, न सुखाय। तो यहाँ पर आत्मदेव ब्राह्मण सुखी नहीं थे। इस दुनिया में हम और आप जिसको सुख मानते हैं वो सुख है ही नहीं। कई बार कहते हैं ना, हम मजे में, आई एम वेरी गुड, वेरी फाइन, बहुत मजा में छे। अब बनाने वाले ने इस पर बोर्ड लगाया है, दुखालयम अशाश्वतम। जब बनाने वाले ने कह दिया कि मैंने दुख देने के लिए दुनिया बनाई, तो हम और आप सुखालय कैसे कर सकते हैं? ये बात समझ लेनी चाहिए कि जेल जो होती है ना, जेल, कारागार, ये स्पेशल गवर्नमेंट जेल दुख देने के लिए बनाती है। तो ये संसार, ये दुनिया एक जेल है। यहाँ रहकर कोई यदि ऐसा कहे ना मैं दुखी हूँ तो परफेक्ट जा रहा है, लेकिन यदि कोई कहे कि मैं सुखी हूँ, समझो कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं वो मार खा रहा है, क्योंकि दुनिया दुखालय है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं आज कि संसार दुखालय है। बनाने वाले ने कह दिया दुखालय, दुनिया में सभी जगह पर दुख है, दुख ही दुख है। तो फिर मन में प्रश्न होगा कि दुखालय जगत में क्या सुखी हो सकते हैं? हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक ही तरीका है, एक ही मार्ग है। जगत दुखालय, जगत का स्वरूप है दुखालय, इसमें सुख हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी एक रास्ता है इस दुखालय जगत में सुखी होने का। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण से समझ सकते हैं, एक लोहे का सिक्का, पाउंड चलता है, पाउंड का लोहे का सिक्का है, दूसरा लोहे के सिक्के के साथ चिपकेगा, आकर्षित होगा? नहीं होगा। लोहा लोहे से आकर्षित नहीं होता, एक लोहा दूसरे लोहे से वो चिपकेगा, चिटकेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि लोहे का गुणधर्म है कि वो किसी लोहे से आकर्षित नहीं होता। ठीक उसी प्रकार इस संसार का, इस दुनिया का गुणधर्म है कि यहाँ कभी सुख नहीं मिलता, ठीक है। तो एक लोहा दूसरे लोहे के सिक्के से आकर्षित नहीं होगा, लेकिन उस लोहे के पीछे चुंबक लगा दिया जाए, एक लोहे के सिक्के के पीछे चुंबक लगा दो, फिर आगे ये जो लोहा है उसके साथ कोई लोहा चिपका हो तो वो चिपक जाएगा। लोहे में आकर्षित करने का गुणधर्म नहीं है, याद रहे। लोहे में वो ताकत नहीं है कि किसी लोहे को आकर्षित करे, लेकिन उस लोहे के पीछे चुंबक हैं और जब तक वह चुंबक लोहे के साथ हैं उस लोहे में चुंबकत्व आ जाता है, वो लोहा भी चुंबक बन जाता है। ठीक उसी प्रकार इस दुनिया में सुख नहीं है, लेकिन हाँ भगवान के धाम वैकुंठ गोलोक वृंदावन में सुख है। जब तक हम उस भगवान के साथ माने हरि नाम हरि कथा के साथ जब तक हम रहेंगे तब तक हमारे अंदर भी वह गुण आ जाएगा। अर्थात जैसे लोहे में वह चुंबकत्व नहीं है, लेकिन चुंबक यदि उसके साथ हैं तो उनमें चुंबकत्व आ जाता है। ठीक उसी प्रकार ये दुनिया जड़ है, दुखालय है, लेकिन उस भगवान की भक्ति करेंगे, जब तक भक्ति करेंगे तब तक वह सुख वह गुण हमारे अंदर है। भक्ति छोड़ दी आप उस लोहे से चुंबक हटा दो तो वह दूसरा सिक्का गिर जाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे भक्ति छोड़ देंगे वो सुख दूर हो जाए। कई भक्त अनुभव नहीं सुनाते हैं। जब तक हम कथा में बैठते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम वैकुंठ में बैठे हैं, कोई चिंता नहीं, कोई दुख, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जैसे ही कथा समाप्त होती है सारी मगजमारी शो, क्योंकि वह चुंबक दूर हो गया, वह चुंबकत्व खत्म हो गया। इसलिए भगवान की भक्ति जो है ये भक्ति ही हमको सुखी कर सकती है, अन्यथा इस संसार में कोई वस्तु कोई व्यक्ति हमें सुख नहीं दे सकता है, चाहे उससे कितना भी प्रेम करो, चाहे उसे आप कितना भी अपने कंट्रोल में कर लो। इसलिए यहाँ पर कहते हैं एवं निवसतो प्रेमणा दंपत्यो रममाणयो अर्था कामा तयोरासन न सुखाय गृहादिकम। सब कुछ होते हुए भी इनके जीवन में सुख नहीं था। और इस आत्मदेव ब्राह्मण के जीवन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम के विषय में आगे कहते हैं। पश्चात धर्म समाबधा स्थाभ्याम संतान हे तवे गोभू हिरण्यवांसांसि दिनेभ्यो यच्छत सदा दिनेभ्यो यच्छत सदा स्थाभ्याम संतान हेतवे पश्चात धर्मा समाब्धा। पश्चात धर्मा माने तरह तरह के अनेकों प्रकार के धर्म इस आत्मदेव ब्राह्मण ने आरंभ किए। अर्थात ये आत्मदेव ब्राह्मण अब क्या करने लगा, किसी बापू बाबा के पास दोरा धागा बंधवाता, मंत्र मार के कुछ हाथ में प्रसादी लेकर आता, कोई चुन्नी लेकर आता, बहुत पश्चात धर्म तरह तरह के धर्म में वो लग गया। किसके लिए? स्थाभ्याम संतान हेतवे, संतान की प्राप्ति करने के लिए। अर्थात आत्मदेव ब्राह्मण और धुंधली उनके पास सब कुछ था परंतु पुत्र नहीं था, न कन्या न पुत्री न पुत्र, इनको कोई संतान नहीं थी। और विवाह हुआ, बहुत समय बीत गया और इनको संतान नहीं हो पा रही थी। और संतान नहीं हो पा रही थी, उस संतान की प्राप्ति करने के लिए पश्चात धर्मा समाप्ता अनेकों प्रकार से अपनी अवस्था ढल जाने के बाद पुत्र प्राप्ति करने के लिए अनेकों प्रकार के वह कर्म करने लगा संतान हेतवे, संतान को प्राप्त करने के लिए। अच्छा, कर्म करते हुए उसने क्या किया? गो भूमि हिरण्यवांसांसि, वो गाय का दान करने लगा, भू माने भूमि का दान करने लगा, हिरण्य सोना गोल्ड सोने का दान करने लगा, वांसांसि वस्त्रों का दान करने लगा, और दिनेभ्यो यच्छतः सदा, दीन होकर दुखी होकर वह यहाँ वहाँ ये सब दान करने लगा। यहाँ पर ये जो दान की बात आ रही ना, ये दान यच्छत यहाँ वहाँ किसी सुपात्र को नहीं, कुपात्र को दान करने लगा। और इस प्रकार से सोना गहना रुपया पैसा दान करके ये सोच रहा था कि मुझे संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अब सीधी बात है कि विवाह हुआ, इतना समय बीत गया, अब तो वृद्ध अवस्था आने लगी, तो उनके कर्म में कोई संतान लिखी नहीं थी। समझ जाना चाहिए कि भगवान की इच्छा नहीं है, कर्म में नहीं लिखा है, लेकिन ये अपने कर्म को बदलना चाहता था कि भाई कर्म में संतान नहीं है लेकिन ये पुण्य करूंगा और इस पुण्य से मैं मेरे कर्म को बदल दूंगा। लेकिन पुण्य के द्वारा हमारे पाप को बदला नहीं जा सकता है, पुण्य के द्वारा हमारे कर्म को बदला नहीं जा सकता है। कई बार कुछ लोग सोचते हैं कि हमने पाप किए हैं, उस पाप को मिटाने के लिए पुण्य करेंगे तो पुण्य खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, यदि पाप किए हैं तो पाप का फल भी भोगतना होगा और पुण्य किए हैं तो पुण्य का भी फल भोगतना होगा, और पाप और पुण्य दोनों किए हैं तो दोनों फल साथ में भोगतना होगा। तो आप कहोगे यार ये तो पाप करेंगे तो उसका फल भोगेंगे, ये समझ में आ गया, पुण्य करेंगे उसका फल भोगेंगे, अच्छे परिवार में जन्म, सुख सुविधा, ये भी समझ में आ गया, लेकिन पाप और पुण्य दोनों साथ में कैसे भोग देंगे? आपके लंदन के और अमेरिका के कुत्तों को देख लीजिए। ये हमारे अमेरिका, लंदन, कनाडा में जितने भी कुत्ते हैं ये बहुत पुण्य करके आए हैं और पुण्य के साथ साथ पाप भी किए हैं, इसलिए पाप के कारण कुत्ता बनना पड़ा और पुण्य करने के कारण अमेरिका का कुत्ता बना या यूके का कुत्ता बना। यहाँ के कुत्ते को देखकर भी ऐसा लगता है कि यार 2-5 दिन कुत्ता बन जाए, हैं, ऐसा लगता है। ऐसी ऐसी व्यवस्था होती है कुत्तों के लिए, ऐसी ऐसी सेवा होती है कुत्तों की, हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि पुण्य के द्वारा पाप को काटा नहीं जा सकता, जैसे मल से मल को धोया नहीं जा सकता, जैसे नशे से, शराब से नशे को उतारा नहीं जा सकता, वैसे पुण्य के द्वारा पाप को काटा नहीं जा सकता। पाप भी कर्म है, पुण्य भी कर्म है, और कर्म के द्वारा कर्म को काट नहीं सकते। हाँ, एक रास्ता है, अकर्म के द्वारा हम हमारे कर्म विकर्म को काट सकते हैं। ब्रह्मा जी ने इस सिद्धांत को बहुत सुंदर तरीके से ब्रह्म संहिता में कहा। ब्रह्मा जी कहते हैं, अस्त्वेन्द्र गोपमथवेन्द्र द्रहो स्वकर्म बंधानुरूप फलभा जन्मातनोति कर्माणि निर्दहति किं तुच भक्ति भाजा कर्माणि निर्दहति किं तुच भक्ति भाजा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अस्त्वेन्द्र गोप मथवेन्द्र अहो स्वकर्म। अस्त्वेन्द्र एक एक इंद्र नाम का कीड़ा होता है, छोटा सा कीड़ा जिसका जो लाल रंग का होता है, इंद्र, और दूसरा इंद्र है स्वर्ग का राजा देवराज इंद्र। तो उस कीड़े से लेकर देवराज इंद्र तक सब लोग अपने अपने कर्म में बंधे हुए हैं और सबको अपने अपने अच्छे और बुरे कर्म को भोगतना ही पड़ता है। ब्रह्मा ब्रह्म संहिता में कहते हैं, परंतु यदि हम हमारे अच्छे बुरे कर्म को खत्म करना चाहते हैं तो एक रास्ता है, और वो रास्ता क्या है? कर्माणि निर्दहति, हमारे बुरे कर्मों को नितराम दहति, पूर्ण रूप से जलाकर भस्म कर सकते हैं। कैसे? भक्ति भाजा, भक्ति के द्वारा, हैं, भगवान की कथा सुनकर, भगवान का नाम लेकर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा, भक्ति के द्वारा हम हमारे बुरे कर्म को जलाकर भस्म कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये भक्ति नहीं कर रहा था, ये क्या कर रहा था? ये पुण्य कर रहा था। और पुण्य करते हुए कहते हैं, धनार्धम धर्म भागेण ताभ्याम नीतम तथापि च। इतना पुण्य करते गया, पुण्य करते करते धर्म मार्गेण उनके पास जितना धन था, आत्मदेव ब्राह्मण के पास धन तो बहुत था, धनार्धम धन अर्धम, अपनी प्रॉपर्टी अपना जितना भी धन था उसका अर्ध, उसका आधा धन उन्होंने पुण्य में डाल दिया। अपने जीवन का आधा धन उसने पुण्य करने के लिए लगा दिया। ताभ्याम नीतम तथापि च, तथापि फिर भी अपने जीवन का आधा धन पुण्य करने में लगा दिया। तथापि फिर भी क्या, तीसरी लाइन में न पुत्रो न अपि वा पुत्री, उसको न पुत्र हुआ न पुत्री हुई। और तत्पश्चात चिंतातुरो भृशम, और इसलिए वह चिंतातुर हो गया, बड़ा दुखी हो गया। अपने जीवन की आधी संपत्ति पुण्य कार्य में लगा दी, लेकिन फिर भी न पुत्रो न अपि पुत्री, न पुत्र हुआ न पुत्री हुई। और अतः ततः चिंतातुरो भवा, ततः चिंतातुरो, इसलिए वह चिंता में पड़ गया। भक्तों, इसका सार मैं आपको कह दूं, धनार्धम धर्म, करोड़ों करोड़ों खर्च कर दिए लेकिन पुत्र पुत्री नहीं हुई। मुझे जो समझ में आ रहा है, हमारे जीवन में चाहे पुत्र की प्राप्ति, पुत्री की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति, ये सब भगवान के हाथों में है, ये सब ईश्वर के हाथों में है। ईश्वर यदि चाहे तो संतान हो सकते, नहीं तो ये मर गया बेचारा। और ऐसा भी नहीं, पति पत्नी में प्रेम भी था, ये सब आपने आगे सुना, बड़ा प्रेम था, बड़ा और धन सब कुछ था, लेकिन फिर भी संतान नहीं। इसलिए हमें अभिमान नहीं करना चाहिए, ये मेरा संतान, ये मैंने किया। ईश्वर चाहे तो संतान होते हैं, वो नहीं चाहे तो कितना भी मेहनत कर लो कोई संतान नहीं हो पाएगी। ये भगवान की इच्छा और उनकी इच्छा समझकर हमें अपना जीवन प्रेम से, प्रसन्नता से बिताना चाहिए। लेकिन यहाँ प्रसन्नता कहाँ थी? ये ब्राह्मण तो था, वेद पाठी था, लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं था, ये डिवोटी नहीं था, ये भक्त नहीं था, और इसीलिए अपने कर्म को वह एक्सेप्ट नहीं कर पाया, स्वीकार नहीं कर पाया। और ततः चिंतातुरो भृशम, रात दिन आत्मदेव ब्राह्मण चिंता में रहने लगे, रात दिन चिंता में। और रात दिन चिंता में रहने लगे, तब एक दिन की बात, फिर क्या बचता है इस दुनिया में? बंदा धनी हो, सब कुछ, और सारे मार्ग अपना ले, और फिर भी चिंता दूर ना हो तो फिर क्या होता है? फिर एक ही चीज़ बचती है, और जो आपके सामने है, एकदा स्वद्विजो दुखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः मध्याह्ने तृषितो जात तडांग समुपेयवान्, तड़ांग समुपेयवान। जीवन में सारे कार्य कर्म, पुण्य कर्म करके अपनी आधी संपत्ति खत्म कर दिया, फिर भी संतान, पुत्र पुत्री नहीं हुई, दुखी रहा। तब रात दिन चिंता करते हुए एक दिन सोचा कि रोज मर मर के जीने से अच्छा है मैं आत्महत्या करके मर जाऊं। सुसाइड करने के लिए ब्राह्मण का बेटा, वेदपाठी ब्राह्मण आत्महत्या करने के लिए निकल पड़ा। कहते हैं एकदा, एक समय की बात, सद्विजो, वह द्विज, वह ब्राह्मण। अब ब्राह्मण यदि आत्महत्या, और वो भी वेद पाठी ब्राह्मण आत्महत्या करे, तो संसार के साधारण लोग आत्महत्या करें, इसमें कौन सा बड़ा आश्चर्य है? सो एकदा सद्विजो, वह ब्राह्मण होकर भी दुखाद, दुख के कारण, गृहम त्यक्त्वा, अपने घर को त्याग कर, वनम गतः। सुंदर, आप श्लोक को देखते हुए कथा सुनेंगे, बड़ा रस आएगा, आनंद आएगा, बिल्कुल हिंदी की तरह लगता है अब तो। एकदा, एक समय की बात, सद्विजो, वह द्विज, वह ब्राह्मण। अब द्विज क्यों कहते हैं, अब इसकी व्याख्या भी हम कर सकते हैं, द्विज क्यों कहते हैं। ज माने जन्म, द्विज ब्राह्मण को द्विज कहते हैं। ज माने जन्म और द्वि माने दो। ब्राह्मण का द्विज माने दूसरा जन्म होता है, अर्थात एक जन्म माता के गर्भ से, और दूसरा जब वो यज्ञोपवीत धारण करता है तब उसका दूसरा जन्म माना जाता है ना। तो ये दूसरा जन्म है, इसलिए उनको ब्राह्मण कहते हैं। तो एकदा सद्विजो, वह ब्राह्मण द्विज होकर भी दुखा, दुख से, गृहम त्यक्त्वा, अपने गृह को त्याग कर, वनम गतः, वन में चला गया। क्यों? आत्महत्या करने के लिए। लेकिन वह वन में गया, मध्याह्न बिल्कुल दोपहर का समय हुआ और सूर्य आकाश में तप्त है, माथा फट जाए इतना धूप हो रही है। और उस समय इतनी धूप होने का कारण तृषितो जात, उनको तृषितो माने तृष्णा, प्यास, जात माने लगी। उस आत्मदेव ब्राह्मण को प्यास लगी। अब प्यास लगी तो वो पानी ढूंढने लगा। अब तुझे मरना ही है तो मर जा, क्यों पानी खोज रहा है? आत्महत्या करने गया, आत्महत्या करने, अब मरने ही जा रहा है और मरते हुए उसको प्यास लगी। तो मरते हुए प्यास लगी तो पानी खोजने की क्या ज़रूरत है? अब आला आवड़ा आने मरता ही नहीं आवड़तू, मरना भी नहीं आता है कुछ लोगों को। तो लेकिन अच्छा ही सोचा, चलो खा पी के मरता हूँ, मरना ही है तो थोड़ा खा पी के मरूँ, तो ऐसा सोचा होगा। तो मध्याह्न है, दोपहर का समय था, मध्याह्न था, तृषितो तृष्णा, प्यास लगी। और जब प्यास लगी तो पानी खोजने लगा तो तड़ांग, तड़ांग माने सरोवर, तड़ांग माने तालाब। ये तालाब हम बोलते हैं ना, ये शब्द संस्कृत से लिया गया तड़ांग। तो तड़ांग माने तालाब, समुपेयवान। वह इस प्रकार से एक सरोवर के निकट, समुपेयवान आत्मदेव ब्राह्मण सरोवर के निकट पहुंच गया। और सरोवर के निकट पहुंचकर फिर अगला श्लोक है, अगले श्लोक में कहते हैं पीत्वा जलम निषण्णस्तु। और उस आत्मदेव ब्राह्मण ने सोचा पहले पानी पी लेता हूँ फिर आत्महत्या करता हूँ। उसी सरोवर में गिरना था, उसमें ही डूब कर आत्महत्या करना, लेकिन पहले पी लेता हूँ। अरे तारे अंदर पड़ीन पीवानूं छे। जब आत्महत्या करते हैं तो डूबते हुए बंदा पानी पी जाता है ना, बहुत पानी पी जाता है। एक बार मैं भी पी गया था, मुझे भी आज तक तैरना नहीं आता, एक बार मैं भी डूब गया जब छोटा था, 5 साल का। खैर, तो पीत्वा जलम निषण्णस्तु, वो आराम से ऐसे पानी पिया। प्रजा, अभी भी कहते हैं प्रजा दुखेन कर्षित, प्रजा माने संतान, संतान के दुख के कारण उनके मन में बड़ी चिंता थी, बड़ा दुख था। और सोचा कि पानी थोड़ा पीकर, अब पानी पी ही लिया है तो पानी थोड़ा डाइजेस्ट हो जाए, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। तो पीत्वा जलम निषण्णस्तु, जल पिया, पानी पिया। और प्रजा दुखेन कर्षित, दुख तो अभी था ही, बड़ी चिंता थी। तो सोचा कि चलो पानी पिया है तो थोड़ी देर यहाँ नदी किनारे नालियरी के नीचे बैठ जाऊँ और एक गाना गाऊँ, नदी किनारे नालियरी रे भाई नालियरी, गीत गाया और वहाँ पर वो बैठ गया। तो मुरहुताद अपि तत्रेव, एक मुरहुत 45 मिनट सोचा कि यहाँ पर मैं बैठता हूँ और फिर मैं मर जाऊँगा, फिर आत्महत्या कर लूँगा। तो एक मुरहुत वहाँ पर बैठा और बैठकर वो खड़ा हुआ, अब तो रेडी हो गया आत्महत्या करने के लिए। और मन में सारे विचार, अब ऐसे जीवन जीने से अच्छा है बस आत्महत्या उसमें गिर जाऊं। और जैसे ही आत्महत्या करने गया, सुध गोस्वामी कैसे कहते हैं, सन्यासी कश्चित आगत, उसी समय कश्चित, पता नहीं कहाँ से, कश्चित माने कहाँ से पता नहीं, ये तो सुध गोस्वामी भी नहीं जानते, लेकिन कश्चित कहीं से एक सन्यासी वहां पर आ गया। सन्यासी आवे, भगवा कलर वाला आ गया तो मतलब कान बन गया। आज मैंने भी भगवा ही डाला है, यहाँ पर भी सेफरोन ही आज पहना हुआ है, मतलब ऐसा ऐसा कपड़ा पहनकर एक सन्यासी आ गया। अब देखो, किसी भी कथा में कोई साधु आया मतलब कुछ अच्छा होने वाला है। तो कश्चित सन्यासी कश्चित आगत, सन्यासी आए। और दृष्ट्वा पीत जलम तम तु विप्रो यातस्तदन्तिकं नत्वा च पादयोस्तस्य निश्वासं संस्थितपुरः, निश्वासं संस्थितपुरः। अब आमा मारे रोऊ के हंसू, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये कथा मैं करुण रस में करूं कि हास्य रस में करूं। मैं भी टोटल कन्फ्यूज हूँ। अब क्या हुआ, दृष्ट्वा पीत जलम तम तु विप्रो यातद अंतिकम, वो जल पीकर बैठा था और बस 45 मिनट, एक मुहूर्त हो गया तो खड़ा होकर अब डूबने जा रहा था, तब तक सन्यासी वहाँ पर आए। और सन्यासी, ये तो डूबने ही वाला था, ये तो मर ही रहा था, लेकिन इसने इस सन्यासी को देखा तो जोर जोर से रोने लगा। ये सन्यासी को भी सूझी थी, अभी आया, ये जा ही रहा था मरने के लिए, लेकिन इसने सन्यासी को देखा तो जोर से चिल्लाया, रोने लगा। जब रोने लगा तो अब बेचारे सन्यासी, मानव धर्म सन्यासी ने इसका हाथ पकड़ लिया, अरे रुको, कहाँ जा रहे हो रोते हुए। तो सबसे पहले सन्यासी ने उसके हाथ पकड़ को इसे बाहर खींचा और सन्यासी ने क्या कहते हैं, नत्वा, सन्यासी उसके सामने नत्वा, प्रणाम किया। तो नत्वा च पादयोस्तस्य, सन्यासी ने प्रणाम किया। भक्तों यहाँ पर एक बहुत सुंदर सीख है कि एक भक्त, एक सन्यासी, एक शुद्ध भक्त संसार में किसी भी व्यक्ति के सामने झुकता है। झुकना है, झुकना, झुकना ये भक्तों की पहचान है, झुकना ये भक्तों की पहचान है। और अकड़, अकड़ जो है ये मुर्दों की पहचान है। अकड़ते हुए रहना, झुकना नहीं, ये तो मुर्दे का काम है। लेकिन भक्त जो है वो झुकता है, वो नम्र होता है, वो हम्बल होता है। चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया। तो नत्वा च पादयोस्तस्य निश्वसन संस्थिता। और फिर कहते हैं यति उवाच, फिर उस यति ने, वो यति था मतलब वो सन्यासी था, यति उवाच, यति, यति ने कहा, क्या कहा, कथम रोदिषि विप्रम त्वम, हे विप्र, हे ब्राह्मण। यति उवाच, यति ने कहा, हे ब्राह्मण कथम रोदिषि, क्यों रो रहे हो। काते चिंता बलीयसी, मतलब ऐसी तो कौन सी बड़ी चिंता आ गई है तुम्हारे जीवन में कि तुम रो रहे हो और आत्महत्या करने जा रहे हो। तो कथम रोदिषि विप्रम त्वम काते चिंता बलीयसी, वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। ब्राह्मण वदस्त्वम, वदो, मेरे सामने तुम बोलो, सत्वरम, जल्दी बोलो, स्वस्य माने स्व, अपने दुखस्य कारणम, अपने दुख के कारण को मेरे सामने, वदत्वम, जल्दी बोलो तुम्हारे दुख का कारण क्या है। तब आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, जब उस सन्यासी ने कहा ना कि वदत्वम सत्वरम, जल्दी बोलो तुम्हारे दुख का कारण क्या है, तब आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि मेरे दुख का कारण कल सुबह 11 बजे बताऊंगा। अत्यारे बधो समय पूरो थई गयो छे, तो कल आप आओगे तो दुख का कारण कल बताऊंगा और आप मेरे दुख को दूर कीजिएगा। तो कथा को यहीं पर विराम करते हैं और आप सभी भक्त भाव से, प्रेम से अपना कीमती समय निकाल कर आए, आप सभी भक्तों का धन्यवाद। और विशेष धन्यवाद हमारे वधुकुल परिवार का, जीवन जाधव जी वधुकुल, या पूरा परिवार, भरत भाई, नयन मंजरी माता, विदुर प्रभु, विदुरानी माता, किरीट प्रभु और रेणुका माता जी और ये पूरा परिवार, आप सबके सहयोग से हजारों लोग इस कथा का लाभ ले रहे हैं। हम स्वयं अपनी वाणी को पवित्र कर रहे हैं। बुरी बुरी धन्यवाद। आइए जय जयकार के साथ इस सत्र को हम विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, पावन पितृपक्ष महामहोत्सव की, शिल प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।